स्वच्छादिरुद्यम शुक परिविलसन मौलिमं भोजनेत्रम कालांबुदोज्वलांगं कटितट विलसत चारु पीतांबराढ्यं वंदे निखिल गदमिव प्रौढदावाग्निनीलम् नमामि सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके जरारु भय मृत्युनाशं दातार मीशं विविधौषधीनां शंखं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कटितट विलसत् चारु पीतांबराढ्यं वंदे धन्वंतरिं तं निखिल गदमिव प्रौढदावाग्निनीलम् नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके जरारु भय मृत्युनाशं दातार मीशं विविधौषधीनां शंखं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम्।
नमस्कार आप सभी को। मैं वैद्य नवीन जोशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोनिका जी, मैं आपको इस सेशन का होस्ट बना रहा हूं। वैद्य जी आ गए, अच्छा, क्योंकि मैं कहीं बाहर हूं। वैद्य जी को मैं होस्ट बना देता हूं। जी चलिए, नमस्ते प्रणाम। मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे महाराष्ट्र से। हम लोग अभी सेशन शुरू करते हैं, तो मैं सभी लोग को इनवाइट करता हूँ। आप लोग आइए और हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। तो डॉक्टर अनुरीता जी, आपको शायद जाना है, मैं आपको ना ये अनम्यूट करके कर देता हूँ। यस सर, एक बार अनम्यूट करके चेक करिए। हाँ सर, अनम्यूट हो रहा। आप कुछ बताने वाली थी, आप बोल रही थी कि आपको जाना है जल्दी। नहीं एक्चुअली सर, 8:30 को जाना है, तो मुझे वो एक क्लासिकल केस, परसों एक प्रिस्क्रिप्शन और ये सारा चीज डिस्कस हुआ था, तो मैंने बताया था ना कि आप हिस्ट्री लीजिए, तो उसी का एक केस, ये कुछ चीज शेयर करनी थी अगर बाकी हाँ। के लोग हैं तो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। शेयर कर सकती हूँ कि सर मैं? हाँ मैं आपको को होस्ट बनाता हूँ। हाँ सर ठीक है, देखिए आप को होस्ट बन गए। या सर एक मिनट है। स्क्रीन शेयर हो रहा है सर मेरा? सबको स्क्रीन शेयर हो रहा है? हो रहा है मैम, हो रहा है, हो रहा है मैडम। ओके ओके, यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी कम होगा क्योंकि बहुत एक्चुअली मेरा अभी तैयारी नहीं था, लेकिन मैंने बोला थोड़ा सा संभाषा करके जब मैं पढ़ लेती हूँ। यहाँ पे फैटी लीवर और एट्रोफिक लेफ्ट किडनी बोला है। हाँ यहाँ पे देख लीजिएगा, डिटेल में नहीं, मैं इसमें ग्रुप में शेयर कर दूंगी, सिर्फ आपको एक पता चले कि क्योंकि सब लोगों का संप्राप्ति क्या लगाना है, ट्रीटमेंट क्या देना है, ऐसे वो रहता है ना, किडनी फेलियर पे क्या देना है, एसिडिटी पे क्या देना है, तो बस एक शेयर करना था। यहाँ पे थायराइड का है T3, T4, TSH, तो ये जो है 133.4, तो हाइपोथायरॉयडिज्म में है पेशेंट, जस्ट 3 महीना पहले डिटेक्ट हुआ है, 3 साल पहले डिटेक्ट हुआ है पेशेंट का। भी जो भी है ना, काफी लोग जनरल प्रैक्टिस में होंगे, तो प्रिस्क्रिप्शन प्लीज देखिएगा, हर प्रिस्क्रिप्शन सबको इसका, मुझे डिटेल में कैटेगरी बताने का जरूरत नहीं, लेकिन कितना एंटीपायरेटिक है, कितना एंटीबायोटिक है, कितना एंटी एमेटिक है, जो भी एंटासिड्स है। हाँ क्योंकि ये हमारी कॉमन ड्रग्स है, बराबर। पेशेंट अपने पास में ना सीधा आयुर्वेद के पास में नहीं आता है, वो ये बोलता है मैडम मैं 10 महीना से ये दवाइयां ले रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरी एसिडिटी कोई भी कम नहीं कर पा रहा है। ओके तो ये प्रिस्क्रिप्शन सबको दिख रहा है ना, थोड़ा सा डॉक्सी टिनीवा, देन रोटीन, प्रेगनस, उसके बाद में यहाँ पे भी एब्डोमिनल पेन, काफी सारी उसकी मैं केस बताऊंगी बाद में, लेकिन पहले ये देख लीजिएगा उसका वजह क्या है, पेंटोप्रेजोल, एजिथ्रॉल, उसके बाद में रिलेंट, काफी चीजें तो अभी बिकॉज प्रैक्टिस में। और डॉक्टर जो है वो BHMS डॉक्टर है सर, वो तो वो छोड़ दीजिए सर, उसके ऊपर नहीं टिप्पणी करनी है, लेकिन एटरैक्स, उसके बाद में जीरोडॉल, ये भी शायद इसका एसिटामिनोफेन का ही, सॉरी इसका पैरासिटामोल का ही कॉम्बिनेशन है। अच्छा इसके साथ में आपको हर राइट साइड में ना अलग अलग प्रॉब्लम, अलग अलग साइड इफेक्ट भी दिख रही होंगी, लेकिन सिर्फ मतलब कोई चचेरा भाई, कोई ममेरा भाई, कोई इस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन शेयर किया जाता है कि ये पेशेंट बहुत लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट और प्रेजेंट पेशेंट है, मतलब बहुत दूर का नहीं है, पिछले 8 महीने से एसिडिटी का ट्रीटमेंट ले रहा है, और जिसे बोलते हैं कि मैं स्क्रीन शेयर बंद कर देती हूँ। मुझे ये केस डिस्कस करने का एक्चुअली वजह कोई नहीं था, लेकिन परसों की अपनी बात हो रही थी कि ट्रीटमेंट देना है तो जल्दी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, और शायद सेट्रिजिन की भी बात हुई थी काफी, मैंने बिकॉज थोड़ा सा मॉडर्न स्टडी किया हुआ है मैंने, तो इस वजह से ये सारी जो भी चीज है ये रिसेप्टर्स पे काम करके
थ्री से फोर आवर्स तक का किसी का ड्यूरेशन रहता है, किसी का सिस्टमिक रिलीज रहता है। तो ये एसिड रिसेप्टर्स में से एच टू जो रिसेप्टर्स रहते हैं उसको बंद करके एसिड ही कुछ देर के लिए शांत करती है। अभी वो पेशेंट मेरे पास में सिम्टम लेके आई है, रोज उल्टियां होती है, रोज सर दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन कभी कभी होता है, और दूसरी चीज पूरी तरह से चक्कर आ रहा है पांच महीना से। ओके, तो पांच महीना से चक्कर आ रहा है, और मेनली वो हिस्ट्री बताती है, वो जब उम्र की 17 साल की थी तब से उसको साइक्लोपाम, मैं एक्चुअली मेरा केस पेपर का भी इसमें था लेकिन वो अभी मिलेगा नहीं मुझे, मैं थोड़ा सॉफ्टवेयर में इतना पक्का नहीं हूँ, लेकिन क्लिनिक में आज मैं थोड़ा सा संडे जल्दी आ गई हूँ तो मैं वो केस पेपर मेरा शेयर करूंगी। साइक्लोपाम, देन स्पजमिंडोन, देन पेन किलर्स, कई तरह के पेंटोप्रेजोल, देन ओमेज, ये सारी ड्रग हिस्ट्री उसकी तकरीबन 17 साल की है। वो जब भी उसको मेंसेस आता है तो चार दिन दो दिन उसको 7 से 8 स्पजमिंडोन लगती है। सबको मालूम है कि स्पजमिंडोन या स्पास्मोप्रोक्सिवन जो भी है वो क्या काम करता है, पेन कम करता है ड्यूरिंग पीरियड जो है, लेकिन 17 साल से, अभी उसका एज है 32। ओके, मेरे पास में वो एसिडिटी के लिए आई है। अभी चाहती तो मैं भी सर का पूरा फॉर्मुलेशन लेके, अभी पत्तीकर चूर्ण है, प्रवाल पंचामृत है, आरोग्य वर्धिने है, कामदूदा है, सब चीज का कॉम्बिनेशन बना के कुछ तो भी प्रिस्क्रिप्शन देके पेशेंट को ठीक कर सकती हूँ। और पेशेंट जो है ना जिंदगी भर मेरी दवाई लेगा तभी तक ठीक रहेगा। लेकिन अगर उसका हेतु पता चला है, उसकी संप्राप्ति अगर पता चली, एक ही बार लिया क्योंकि पेशेंट पेइंग भी नहीं है, वो पंचकर्मा के लिए मतलब मेरे पास में 70 किलोमीटर दूर से आ रही, तो वो मैं उसका बस्ती है विरेचन, लेकिन फिर भी मैंने फर्स्ट टाइम उसको सिर्फ विरेचन और दीपन पाचन दिया है। अगर वो ये सस्टेन कर लेती तो ही मैं आगे जाऊंगी, क्योंकि मुझे जो उसने हिस्ट्री, वो मेरे पास में इनफर्टिलिटी नहीं बताई जबकि मैंने हिस्ट्री निकाला तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड सब चीजें है, मतलब वात प्रकोप की अवस्था और पित्त प्रकोप की अवस्था, ये हमेशा से उसकी खुद के हेतु उसके खान पान के एकदम सही रूटीन है। वो सुबह उठती है, खाना खाती है, उसके बाद में वो जब भी सर्दी वगैरह हो जाती है तो उसके बाद में उसको कम, लेकिन उसका एक और लक्षण है, खाना खाती है उसको सोने का मन करता है, लेकिन ये सोने का मन कफ काल है इसकी वजह से नहीं, अगर वो आधे पौने घंटे में नहीं सोई तो उसको वीकनेस लगती है, उसको चक्कर आते हैं, इसकी वजह से उसको सोना ही पड़ता है। मतलब वो 12:30 बजे आधा पौना घंटा नहीं, 15 मिनट तो कम से कम उसको स्लीप लगती है। और दोपहर में भी जो है, क्योंकि दिवा स्वाप के ऊपर बात हुई थी, लेकिन हर जगह हम, मैं ये केस एक्चुअली सर से डिस्कस करा के सारी संप्राप्ति वगैरह एक्सप्लेनिंग, लेकिन माधव निंदाना भी शुरू नहीं हुआ इस वजह से, जस्ट एक मुझे लगा कि ये केस डिस्कस करनी चाहिए इसलिए शेयर कर रही हूं। तो हम पित्त प्रकोपित हो गया है, सर्दी है, रुलास है, तो हम ऑनडेम वगैरह देके ट्रीटमेंट नहीं करना है, कामदूदा देके शांत नहीं करना है। हमारा जो भी ट्रीटमेंट है, जैसे हरिओम सर देखिए अंशांश कल्पना कितनी अच्छी बताते हैं, और जब हम सुबह की संभाषा में सीखते हैं, जिसका मिस हो जाता है वो जरूर देखिएगा, क्योंकि वात पित्त कफ और त्रिदोष और सप्तधातु ये क्लियर नहीं होते तो आप संप्राप्ति लगा के भी आपका फायदा नहीं, क्योंकि आपको उसकी कौन सी चीज से, जैसे सर ने आज बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर किया हरिओम सर ने, आधा मैं सुन पाई थी, तो वात के जो तीन गुण है कौन से शांत करने होते, कौन से गुण से वो, तो ये इतना भी नहीं समझ आया, लेकिन हमको अगर हेतु समझ आते हैं, वो हेतु हम जैसे बंद करते हैं, हम जैसे ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो श्रवण कल्पना, शोधन कल्पना, संतर्पण या अपतर्पण, आप चिकित्सा कुछ भी करिए, लेकिन वो चिकित्सा फल रूप आपको तब स्वरूप देती है जब आप उसके हेतु तक पहुंचते हैं। उसका अगर 17 साल का हिस्ट्री है तो मैं उसको 7 दिन का रिजल्ट का गारंटी कैसे दूं, बिल्कुल नहीं। तो मैंने दीपन पाचन से ही शुरुआत किया है, उसका सर्दी और उल्लास के लिए उसने इतना, और सबसे मेन मैंने ड्रग बंद किया, तो मुझे मालूम है ड्रग बंद करने के बाद में उसको और ज्यादा चक्कर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो रस दुष्टि रक्त दुष्टि उसकी इतनी सीवियर है, और उसमें वातावृत वात प्रकोप बहुत ज्यादा है। वातावृत वात प्रकोप जब भी है तब आपको, जब एक्चुअली उसका ड्रग, मतलब अगर मैंने उसका सारा इन्वेस्टिगेशन वगैरह किया, वो पेइंग नहीं है, फिर भी मैंने उसका एलएफटी हीमोग्राम मेरे खर्चे से कराया, उसको बोला आप 7 दिन के बाद में आना, लेकिन उसको यही बोला है कि आपको दिन में नहीं सोना है, और अगर आपको चक्कर वगैरह आता है तो मैंने मिश्री यष्टी मधु और इसका जो अपना सारीवा और अनंता, ये तीन चीजों का मैंने कॉम्बिनेशन, मुस्ता, सारीवा, अनंता, मुस्ता और ज्येष्ठमध, इसका कॉम्बिनेशन दिया कि जब भी आपको चक्कर आए ना आपको, लेकिन अभी हनी मुझे मालूम है वो नहीं ले पाएगी, तो इसलिए मैंने उसको बोला कि आप मिश्री या फिर आपके घर में अगर मतलब लोनी बोलते हैं हम यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं, मक्खन, मक्खन, हाँ मक्खन, मक्खन, लेकिन मुझे मालूम है उसको, देखिए
प्रैक्टिकली हमको आइडियल ट्रीटमेंट करना है, लेकिन सामने वाला अगर नहीं लेने वाला है तो उसको ऐसे योग दीजिए सिंपल सिंपल छोटे छोटे, कि उसको वो ध्यान में आ जाए कि मुझे डिपेंडेंसी नहीं, उसका डिपेंडेंसी है पेंटोप्रोजोल का, उसका डिपेंडेंसी ओमेज का, उसका डिपेंडेंसी पेन किलर के बगैर उसका चार दिन मेंसेस का जाता ही नहीं, और मुझे मालूम है कि अगर मैंने उसको प्रॉपरली ट्रीट किया तो वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की पेशेंट भी नहीं रहेगी, ये मुझे मालूम है, लेकिन वो बस्ती के लिए तैयार होनी चाहिए। फिर भी मैंने विरेचन से शुरुआत किया, दीपन पाचन दिया। अब इसके ऊपर अगर वक्त है किसी को पूछना है तो आप डिस्कस करना शुरू करिए, या केस लीजिए या फिर दूसरे केसेस रेडी, लेकिन जब भी आप सोचो तो हेतु सिर्फ इतना मत पूछो कि मुझे काफी जन बोलते हैं नहीं मैडम कुछ भी हेतु नहीं मिला मुझे, जब भी कोई केस, सॉरी बुरा मत मानना, अरविंद सर का भी बुरा लगेगा या अगर वो स्ट्रिक्टली बोलते हैं, लेकिन मुझे कोई केसेस भेजते तो मैं बोलती हूँ ये फॉर्म भर के भेजिए या हेतु बताइए या कुछ, मैडम मैंने तो 6 महीना से आयुर्वेदिक लिया, लेकिन 6 महीने से आयुर्वेदिक रिजल्ट क्यों नहीं मिला, अभी पद पीकर पित्त कम करेगा लेकिन उसकी जो संप्राप्ति हुई है उसका अगर रोज वो जिसे बोलते हैं कि पैरासिटामोल का कॉम्बिनेशन खा रहा है, रोज ओमेज लेने के बाद में वो अगर ये कर रहा है, तो बाकी के लोग ट्रायल एंड एरर पे चलते हैं, इवन कोई भी सिस्टम हो आयुर्वेद के अलावा, वो एलोपैथी हो वो किसी भी सिस्टम के अगेंस्ट मैं नहीं हूं, लेकिन वहां पर ट्रायल किए जाते हैं और पेशेंट लाक्षणिक उपशम के लिए 8 महीना 4 साल 7 साल इतने साल गंवाता है, तो आपको पेशेंस रखना है, आपको जब भी काउंसिल करना है तब ट्रीटमेंट इसमें योग बताना प्रिस्क्रिप्शन देना बहुत आसान काम है, मैं भी भेज सकती हूँ अरविंद सर भी बता सकते हैं, लेकिन अगर हमको कुछ श्रेष्ठ चिकित्सक बनना है, अच्छे प्राणाभिसर अगर वैद्य बनना है, तो हमको ये सारा चीज जोड़ना पड़ता है, उसका परिस्थिति, उसका खान, उसका जैसे हमारे जो देश काल से लेके सारे वो सारे फैक्टर तो सोचनी है, लेकिन सामने वाले को अगर हमको ट्रीटमेंट देना है, उसने नहीं बताया वो इनफर्टाइल है, उसने नहीं बताया कि हिपेटोमेगाली है, उसने नहीं बताया कि वो जिसे बोलते कि उसका पीएमएस सिंड्रोम बोलते हैं इसको, जिसके लिए उसने इतनी सारी ये लिए, लेकिन उसको जब हम बंद करते तब विड्रॉल के भी सिम्टम। अच्छा आप ये बताइए जो पेशेंट पथ्य नहीं पाल सकते जैसे वो कल्चर है, दिन में सोना नहीं बंद कर सकते, तो मैंने नहीं, उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो दिवा स्वाप करते रहेंगे, उनका कफ प्रकोपित होता रहेगा, उनका कभी भी अग्नि मैंने तो क्षमा मांग लिया कि मैं आपको ठीक नहीं कर सकता, आपको वो बंद करना ही पड़ेगा क्योंकि वही हेतु ही है ना सर। एक्चुअली क्या है, आप बंद करेंगे आपको गुस्सा आएगा, लेकिन एलोपैथिक लोग है ना ये ट्रायल पे 10 साल 15 साल प्रैक्टिस करते हैं, एक एक कस्टमर उनके पास में सिम्टमिक रिलीफ के लिए जाता है, आप उसको देते मतलब अगर एक कमाने वाला पेशेंट डॉक्टर है तो वो क्या बोलेगा, हाँ आप दिन में भी सोइयो मेरी दवाई भी लीजिए, तो उससे क्या होगा, वो जिंदगी भर पेशेंट बना रहेगा, वो कभी भी सिम्टम पे रिलीफ पाएगा लेकिन वो रोग से मुक्ति नहीं पाएगा, लेकिन अगर आप एक अच्छे वैद्य है आप उसका भला सोचते तो आप उसको गुस्सा आए या उसको ठीक नहीं लगे या उसका अहंकार दुखा जाए तब भी आपको उसको यही बताना है कि सर अगर आप ये करने वाले हैं तो आपको जिंदगी भर दवाई लेनी पड़ेगी, और दूसरा चीज मेरे पास में इससे भी और महंगे योग है तो आपका पैसा भी जाएगा वेस्ट और उसका रिजल्ट भी नहीं मिलेगा और आयुर्वेद को नाम रखेंगे, ये बता के उसका हेतु आप बंद कराइए और उसको मतलब उसका देखिए सर आदत एक दिन में नहीं जाती, मेरे पास में जो दूसरा मेरे पास में पेशेंट आज भोपाल से मुझे ऑन फोन ये किया था, उसका 12 साल 15 साल से मानीचंद खा रहा है, कैसे उसका पेट ठीक होगा, वो बोले मैंने 18 बस्ती लिए मुझे नहीं फर्क गिरा, मैडम आयुर्वेद काम नहीं करता है, और बेसिकली मेरा प्रिस्क्रिप्शन वाला प्रैक्टिस ही नहीं है, मेरे खुद के योग मेरा प्रोप्राइटरी मेडिसिन मैं बनवा के लेती हूँ, तो इस वजह से बहुत डिफिकल्ट होता है दूर के पेशेंट को ठीक करना, लेकिन हेतु पूछते पूछते अगर आप पहुंचते हैं ना रूट कॉज पे तो सबसे पहले मैंने उसको, और मेरा तरीका बहुत अलग है कभी मैं बताऊंगी जिन लोगों का व्यसन छोड़ना। एक मिनट, मेरे को एक पेशेंट को दवाई देना है, मैंने कामिनी मैडम और मोनिका मैडम को होस्ट बनाया, आप लोग थोड़ा सा मैं दवाई दे के आता हूँ 5 मिनट। सर बिल्कुल सर आप आराम से जाइए, है कामिनी मैम तो उल्टा हूँ अच्छी केसेस। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग मोनिका जी, शुभकामनाएं। तो बस ये मैं बोल रही थी कि मैंने प्रिस्क्रिप्शन दिखाने का वजह ये था कि हम ऐसी प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, लेकिन अगर मेरे पास में जूनियर स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि मेरे काफी स्टूडेंट्स थे, मैं उनको बोलती कोई बात नहीं आप एलोपैथिक के साथ में एटलीस्ट आयुर्वेदिक जीपी शुरू करिए, और वो भी सिर्फ त्रिदोष पे, सिर्फ वात पित्त कफ, और आप इस पे भी चलते रहेंगे ना हेतु निदान परिवर्जन तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जब रिजल्ट मिलने लगता है ऑटोमेटिकली वो स्टडी करने लगते हैं, और हमको भी वही करना है। आप तो बहुत लकी है कि आपको प्रैक्टिस के और स्टडी के इतने जल्दी ये प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे ओपन डिस्कशन हो रहा है, एक दूसरे के विचार मंथन हो रहा है, हमको ये आज 25 साल की प्रैक्टिस के बाद में मिला है। तो कोई भी न्यू कमर है ना वो इस पे सोचिए,
पूछिए, ये जो इतने गुरु वरियर लोग हैं उनका नॉलेज का फायदा लीजिए, तो आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर पाएंगे आप। सो न्यूकमर्स लोग आप पूछिए अभी। नमस्ते मैम। हाँ सैनी जी बोलिए। मैम आपने जैसे इनको हाइपर एसिडिटी और हाइपरथायरॉइडिज्म की भी प्रॉब्लम है, तो मैम इनमें इसमें आपने दीपन पाचन के लिए किस तरह से क्या विचार किया है मेडिसिन? सर जब तक ये दीपन पाचन करके इसका, क्योंकि ये रोज उल्टियां करती है, रोज सर दर्द होता है, और दूसरी चीज जो इसने मतलब बहुत दूर से आई थी वो तो, और मेड है वो, मतलब बहुत सिंपल, बहुत दूर से नाम सुन के आई है, तो मुझे सिंपल ये चीजें रखनी चाहिए थी, तो इस वजह से मैंने आरोग्य वर्धिनी और पंचामृत जैसे दीपन पाचन के लिए मैंने सिंपल हिंगवाष्टक और इसका दिया, और जैसे मैंने बोला कि उसको जी मचलाता है तो उसको चक्कर आते हैं खाने के बाद में सोती, तो ऐसे चाटन दिया है, और मैंने विरेचन योग के लिए मृदु विरेचन उसको दिया है। लेकिन जब वो सिस्टमेटिकली 7 दिन के बाद में आएगी या 2 हफ्ते के बाद में आएगी, तब उसके आगे की रस पाचक है, रक्त पाचक है, जो भी आपको सही लगता है उस इस पे काम देना है। और दूसरा थायराइड और उसकी गायनेक की हिस्ट्री, ये दोनों भी चीज को छोड़ दीजिए, हमको सिर्फ हमारे सामने आई तो हमको हेतु लगाने के लिए और उसका जो भी अंदर का संप्राप्ति है उसके लिए आसानी क्या हो जाती है कि यहाँ पे उसका जो मनोव स्रोतस है, वो मनोव स्रोतस और उसका हार्मोन इम्बैलेंस, ये सब चीज मिलके, मतलब आज का जो भी स्वरूप है वो भले ही हमको अम्ल पित्त ऊर्ध्व अम्ल पित्त दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे इतने सारे हेतु हैं कि जो दृष्टि, अगर हम सिस्टमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे तो इसका थायराइड के लिए भी अलग से दवाई कोई देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और इसका जो सबसे मेन चीज मुझे फाइंड आउट हुई है कि इसके कोई ना कोई पैथोलॉजी, अगर इसने भले ही मुझे सोनोग्राफी है वो नॉर्मल दिखा है और सिर्फ माइल्ड हिपेटोमेगाली, लेकिन इसकी अट्रोफिक किडनी है, तो अगर ऐसे समझे कि अट्रोफिक एक किडनी, मतलब एक किडनी इसकी बची है, और स्कैन के लिए बिकॉज वो पेइंग नहीं है, मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह से, लेकिन महाराष्ट्र में वैसे टाई अप नहीं होते, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल की पैनल कंसल्टेंट हूँ, तो फिर उसका ऐसे समझिए कि उसके शरीर में क्लेद भी इतना ज्यादा होगा, वो सार्वदेहिक सब जगह पे उसका क्लेद वो बढ़ा हुआ होगा। जब सब जगह पे क्लेद बढ़ा हुआ है, अंदर अग्नि भी काम नहीं कर रहा है, समान वायु नहीं होगा, पाचक पित्त सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, धातुओं की पूरी तरह से मतलब परिपोषण ना होके एक्चुअल नॉर्मल जो धातु है वो बनते ही नहीं होंगे, इस वजह से ये संप्राप्ति में इतने सारे स्रोतस भी इन्वॉल्व है। हम जब तक इस लेवल पे काम नहीं करेंगे, शोधन नहीं करेंगे, तब तक हमको एक जिसे बोलते हैं कि बस ऊपरी परत पे रिजल्ट आएगा, तो अभी सिर्फ फर्स्ट टाइम ही आई है, परसों ही आई थी वो, 2 दिन ही हुआ है, तो 2 दिन के इसमें मैंने एक छोटा विरेचन योग दिया है, जब वो बोलेगी चक्कर कम हो जाएगा तो फिर मैं उसको कुछ खाने की कल्पनाएं चेंज करके और फिर उसको विरेचन करा के फिर अगली बार बुलाऊंगी, क्योंकि वो बस्ती 70 किलोमीटर दूर, मतलब डेली शी कांट कम फॉर बस्ती, जो मेरे लिए सबसे प्रॉपर चिकित्सा वो लगती है, लेकिन दीपन पाचन के बाद में। ओके तो ऑटोमेटिकली ये थायराइड और उसकी जो गायनी प्रॉब्लम है, लेकिन अभी वो पेइंग नहीं, वो आई है अम्ल पित्त के लिए। अपना सी एज एन आयुर्वेदिक कंसल्टेंट आपको ये भी दिक्कत आता है कि सामने वाले का संप्राप्ति तो भंग होना चाहिए, रिजल्ट भी परमानेंट दे सकते हैं, लेकिन सामने वाला तैयार नहीं है, उसको सिर्फ उल्टियां रोकनी है। सो यू हैव अ वेरी डिफिकल्ट कंडीशन इन टू दिस प्लेस, और फिर आप सिस्टमेटिकली इट इज ऑन टू यू कि आपको पूरा संपूर्ण चिकित्सा करना है, उसकी पूरी संप्राप्ति ये करनी, तो उसको कन्विंस करना है, और फिर उसके साथ में उसको जो भी रुलास है, चर्दी है, वो चीज रुकेगा। अभी कल फोन आएगा मुझे, तब मुझे पता चलेगा कि उसका क्या रिजल्ट है। मैम नमस्कार। हेलो नमस्कार बोलिए। मैम मुझे ये जानना है कि जैसे अपन हर जगह अपन दीपन पाचन देते हैं, तो आरोग्य वर्धनी से भी देते हैं, चित्रकादी से भी देते हैं, लहसुन आदि वटी से भी देते हैं, पंचकोल से भी देते हैं, तो अपन डिसाइड कर सकते कि कब कौन सा यूज करना है? कोई भी बता सकते हैं? नहीं मैम आप बताइए। अरे कोई भी बता सकते हैं, मैं बाद में बताती हूँ, मैंने बाकी को बोलने देते हैं, है ना, क्योंकि मैं बोलूंगी तो फिर कोई और नहीं बोलता है, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि नहीं आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है, आप बोलिए। आकांक्षा श्रीवास्तव जी है ना, वो बहुत अच्छा बताती है, कहाँ गई वो, उनका नाम तो दिख रहा है, डॉक्टर आकांक्षा The power pack of our group, Akansha ji. हाँ, बहुत अच्छा बताती
यस मैम। हाँ आपको सुनने के लिए तो हम आते हैं, बोलिए। हेलो मैम, नमस्ते मैम, प्रणाम मैम। हाँ सर, तो आपका क्वेश्चन है कि दीपन पाचन का हम कैसे डिसाइड करें, है ना? आपको क्या डिफिकल्टी आ रही है बताइए सर। हेलो, ये क्वेश्चन अपन किसको कब यूज करें अपन? सर देखिए, दीपन पाचन अगर आपको पहले डिसाइड करना है तो पहले आप पहले तो केस टेकिंग ले लेंगे, ठीक है। केस टेकिंग से आपको ये पता चल जाएगा कि पेशेंट में आम कंचति कितनी है, ठीक है। पेशेंट का दिवा स्वप है, अगर कफज आहार विहार का ज्यादा उसका सेवन है तो इससे आपको पता चले कि शरीर में शांता ज्यादा है, ठीक है। तो अगर शांता ज्यादा है तो अगर इसको आपको कम करना है तो जैसे कि शरीर में कफ दोष बढ़ा हुआ है तो कफ दोष को कंपनसेट करने के लिए जो यहाँ पे दोष काम करते हैं, जैसे कि आपको पता है मधुर अम्ल कटु तिक्त कषाय, ठीक है। तो कटु तिक्त कषाय द्रव्यों से युक्त जो भी आपका योग होगा वो यहाँ पे आपका पहले काम करेगा। और अगर पेशेंट में अगर आपको लगता है वो वातज प्रकृति का है और लेकिन उसके बाद उसके सिम्टम्स जो है उसमें थोड़ा सा आम वृद्धि अभी के लिए हुई है, तात्पुरता हुई है, मतलब परमानेंटली नहीं है, तो वहां पे आप बहुत ज्यादा कटु तिक्त कषाय द्रव्यों का उपयोग ना करते हुए वहां पे आप नॉर्मल सिंपल अपना किसी भी मतलब जो उसका वात भी वृद्धि ना करे ज्यादा, ठीक है, और आम का पाचन भी करे। क्योंकि ऐसे पेशेंट में अगर वात वृद्धि ज्यादा हो गया, आप कंटिन्यूसली पंचकोल चूर्ण अगर चित्रकारी देते रहे, पित्त प्रकृति के लोगों में जैसे अगर आपने कंटिन्यूस चित्रकारी का कंटिन्यूस सेवन करा दिया तो वहां पर थोड़े लक्षण बढ़ने की भी संभावना होती है कि उनको पित्त से रिलेटेड सिम्टम्स और ज्यादा क्लियर हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी बुद्धि से काम करके आपको वातज प्रकृति के लोगों में और कफज प्रकृति के लोगों में अकॉर्डिंगली दोष जैसे कम होते हैं उसके द्रव्यों का आपको आकलन करने के बाद आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा आपको द्रव्य चूज करना है। क्योंकि हम किसी भी पेशेंट में दीपन पाचन आप दे सकते हैं, आप एक हफ्ते तक किसी भी पेशेंट में वो बियर कर सकता है, चाहे वो किसी भी प्रकृति का हो, बस उसके दोष बहुत ज्यादा प्रवृत्त ना हो। अगर ऐसे अगर आपके पास कोई जैसे बहुत ज्यादा सीवियर पेशेंट आते हैं किडनी से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड जो मतलब जहां पे मर्म इन्वॉल्व है, तो मर्म की चिकित्सा करते समय आपको दोषों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो वहां पे आपके लिए होगा, लेकिन अगर आपके पास सादा सारे कोई अगर मतलब बहुत ज्यादा क्रॉनिक संप्राप्ति के पेशेंट नहीं आएंगे तो आप दीपन पाचन आप इनमें से किसी भी योग से कर सकते हैं, ठीक है सर। आई होप मैंने कुछ एक्सप्लेन किया होगा। मैम बताएंगे, कामी मैम अच्छे से बताएंगे आपको। जी मैम बताएंगे कुछ। हरिओम सर, हरिओम सर भी दिखे मुझे इसमें है। जी मैडम नमस्कार जी, आप बताइए सर क्या प्रश्न था इनका? इसमें प्रकाश डालें कि दीपन पाचन के लिए कोई भी ड्रग सिलेक्ट करते हैं तो क्या ध्यान में रखना चाहिए, वो यहाँ से किसी ने क्वेश्चन पूछा है। हाँ तो सबसे पहले तो आप दीपन पाचन जो कर रहे हैं उसमें आप सबसे पहले ये देखें कि दीपन पाचन हम कर किस कर रहे हैं, हम दोष का दीपन पाचन कर रहे हैं या फिर दोष पक्वावस्था में है या फिर जो अन्य रस है वो पक्वावस्था में है या अपक्वावस्था में है, दोष अपक्वावस्था में। तो यह साम और आम ये दोनों कंडीशन देखनी है, साम है या आम है। आम जब होता है तो उसमें दोष यानी जो अन्य रस होता है, ठीक है, उसमें दोष भी। अब यहाँ पर थोड़ी सी विवादात्मक स्थिति ये होती है कि जब खासकर मैं पढ़ता हूँ, मैं अपना व्यू रख रहा हूँ, मैं किसी को ब्रश को थोप नहीं रहा हूँ, और वो पहले शास्त्र से मैंने तो कर लिया है लेकिन पहले शास्त्र से उसको सम्मत कर ले। तो आम जहाँ संज्ञा दी गई है कि आम जहाँ संज्ञा है तो उसमें होता क्या है कि उसमें दोष भी अपक् होता है और जो अनरस है वो भी अपक् होता है। तो हमें दोनों का करना है, अब हम उसी से डिसाइड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को मृदा कहना चाहिए आम, मृदा कहना चाहिए बात और आम है यानी शाम बात है, तो शाम बात का मतलब ये हुआ कि इसमें जो वायु है वो भी एक मतलब कहना चाहिए अपक् है और हम जो अनरस है वो भी अपक् है। तो हम दोनों की चिकित्सा करें, शाम वायु क्यों है उसकी चिकित्सा, तो हम इन दोनों में सबसे पहले चिकित्सा करें। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, दोष को पक्व करना है,
जब हम दोष पक्व करेंगे तो वो अपने आप ही आम से हट जाएगा और उस आम का फिर आम पाचन वो खुद ही कर देगा, मतलब उसके। सर आपकी आवाज चली गई, सर साथ लेफ्ट हो गए। हेलो, हाँ कट गई। हाँ सर, साथ में ना एक आप लोग परे के साथ एक ड्रग का भी एग्जांपल दीजिए, एक मेडिसिन का भी, जैसे आम है उसको आपने घटाना है, तो कौन सी मेडिसिन? हाँ वो, हाँ हाँ वो ही साथ साथ में एक एग्जांपल। हाँ जी, हाँ जी, तो आप हाँ, तो हाँ हाँ, तो अब ये देख लें कि जो हमने रस खाया या को पूछ को कह रहा है कि मैं दाल चावल खा के आया, तो दाल चावल जब खा के आया तो उसमें वायु जो है वो कफ के, कफ या आम मतलब उसके गुणों से मेल खाएगी और वो खुद भी पक्को रहेगी, उसको भी पक्को करेगी। तो अगर वहां पर हम कटु तिक्त कषाय दे देंगे तो वायु भी पक्को हो जाएगी और वहां पर जो आम रस है वो भी पक्को हो जाएगा। लेकिन अगर वायु अगर पित्त से है तो हमको ये सर का कनेक्शन कट हो रहा है। हाँ, बीच बीच में उनकी आवाज चली। सर आप बताइए ना। क्या बताऊं, मैं अभी आया। आगे आगे नहीं सर, कट गए। आप बताइए क्या प्रश्न, क्या है प्रश्न? ये है कि जब भी दीपन पाचन सिलेक्ट करना है तो क्या सोचना है, इसमें कौन सी मेडिसिन देनी है? दीपन पाचन के लिए तो दीपनीय गण बताया ही है ना चरक संहिता में, कैसे करना है, मतलब इन्होंने चार पांच मेडिसिन के नाम लिए, सभी से दीपन पाचन होता है तो कौन सी कब देनी है? अभी अगर आप जीरा अजवाइन देंगे वो भी दीपन पाचन है, लवण भास्कर चूर्ण देखेंगे वो भी दीपन पाचन है। कब कौन सा यूज करना है उसमें, ऐसा थोड़ी ना है कि केवल ऐसे प्रोटोकॉल थोड़ी ना है, हम तो कोई भी दे सकते हैं दीपन पाचन। अभी क्या है कि सभी को हम लोग आम पाचक वट्टी देके तो ये तो शुरुआत के वैद्य करते हैं। एक बार जमदग्नि सर से यही प्रश्न पूछा गया कि सर हम सबको इतना सारा दवाई कैसे दे, जैसे फाइब्रॉइड का पेशेंट है तो हम उसको दीपन पाचन करेंगे। सर ने कहा डायरेक्ट आप मांस पाचक मेदो पाचक दीजिए ना, वो भी तो दीपन पाचन कार्य करता है तिक्त रस से। जो नए वैद्य लोग हैं उनके लिए है आम पाचक वट्टी, आरोग्य वर्धनी वट्टी, जो लोग पुराने एक्सपीरियंस लोग हैं वो सब लोग थोड़ी ना आम पाचक से शुरू करते हैं, वो लोग तो डायरेक्ट मेडिसिन देते हैं, व्याधि प्रतिनिक दोष अंशांश कल्पना देखते हैं और डायरेक्ट व्याधि प्रतिनिक से शुरू कर देते हैं। सर सर नमस्कार। हाँ जी प्रणाम। ये जो अगर पित्त प्रकृति हो तो उसमें भी क्या लवण भास्कर हम दे सकते हैं? प्रकृति है ना तो उसमें तिक्त रसात्मक दवाइयां ज्यादा अच्छा काम करती है, जैसे रस पाचक, रक्त पाचक जो है वो अच्छा काम करती है, आरोग्य वर्धनी अच्छा करती है, सुरशेखर अच्छा करती है, प्रवाल पंचामृत, काम बुधा। सर सुदर्शन घनवटी दे सकते हैं? सुदर्शन घनवटी ज्यादा नहीं देना चाहिए, ऐसे वो देने के लिए है, वो सब में दे सकते हैं हम लोग। त्रिभुवन रस जो है वो बहुत ज्यादा अगर पित्त प्रकृति है और पित्त दोष का प्रकोप है तो त्रिभुवन कीर्ति नहीं देते हम, ज्वर के हिसाब से हम उसमें सुरशेखर रस देते हैं, प्रवाल पंचामृत देते हैं। हाँ, वही उनका क्वेश्चन था। सुरशेखर भी दे सकते हैं हम पाचन के लिए साम पित्त अवस्था। हाँ तो साम पित्त है तो सुरशेखर रस है, पित्त के जितने भी दीपन पाचन दवाइयां है उसका मेरे पास एक लिस्ट है, मैं वो आप लोगों को शेयर करूंगा। पित्त पे जो काम करने वाली दवाइयां है उनका एक लिस्ट है, वात दोष पे काम करने वाली है, कफ दोष पे करने वाली है, ऐसे वो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा तो इजी हो जाएगा। मैं आप लोगों को ना एक काम और करूंगा, जैसे हमारे बड़े बड़े गुरु लोग जो हैं यहाँ पर, जैसे नानल सर हैं, फिर ये जमदग्नि सर हैं, गाडगिल सर हैं, जो लोग एकदम इंटरनेशनल लेवल पे बहुत फेमस है, उनका प्रिस्क्रिप्शन का मेरे पास स्क्रीनशॉट है, वो मैं आप लोगों को कभी शेयर करूंगा, वो लोग कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, वो एकदम उनका एकदम डिजाइन इतना अच्छा है ना, वो देखने लायक है, सीखने लायक है वो, मैं वो सब करूंगा आप लोगों को शेयर। सर सुनिए ना। हाँ हमें अगर आमाशय, जो अभी हरिओम सर बता रहे थे वो कॉन्सेप्ट में कि हमको अगर अग्नि मानदेय तो धातुअग्नि मानदेय और मेन भूताग्नि, तो ये सारी चीज पे अगर स्पेसिफिकली काम करना है तो इसका डिफ्रेंसिएशन जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस है उसमें नहीं हो पाता है, मतलब वहां पे
इसीलिए तो माधव निदान में पढ़ाने वाला हूँ आप, हाँ, आप बोलिए तो मैं कल से पढ़ाना शुरू करूँ क्या माधव निदान? सर बिल्कुल बिल्कुल करिए सर, अभी तो ऐसा लगता है जितना जल्दी होगा उतना बिल्कुल सर बिल्कुल। फिर चरण का टाइम 6 बजे, फिर 7 बजे अष्टांग हृदय, फिर एक योग का लेक्चर है, मैं पढ़ाऊं कब आप लोग बताइए? सर योग की जगह माधव निदान शुरू कर लीजिए। ठीक है कल से, आप टाइम बताइए आप लोग, आप लोग कब से आ सकते हैं? टाइम 4 बजे आप अपने 7 बजे 4 बजे की 7 बजे बैठे तो 7 बजे नहीं सर, 4 बजे सर शाम को ओपीडी रहता है 4 बजे। हाँ ठीक है कल से मैं 4 बजे से माधव निदान शुरू करता हूँ, और ना जिनको सुनना 7 बजे रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा सर प्लीज, रिकॉर्ड हाँ रिकॉर्ड रखिएगा सर। और सुनिए ना सर रिकॉर्ड मतलब जब आपका जाता है ना तो उसको कुछ ऐसे चैप्टर और नंबर दे दीजिएगा, मतलब हमको सीक्वेंस ध्यान में आ जाए, क्योंकि माधव निदान ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो कंसिस्टेंट रहेगा ना तो ही मजा आएगा जी। तो आप लोग के पास माधव निदान है तो वो सब निकाल लीजिए आप लोग, कल से शुरू कर देंगे माधव निदान का क्लास कल से। सर हमें ये भी तो चाहिए ना, 3 से 4 हो पाएगा तो अच्छा रहेगा, डिस्टर्ब नहीं होगा तो लोग 3 से तो ऑफिस में आते हैं सब गवर्नमेंट ऑफिसर, ये कामिनी मैडम तो 3 बजे ऑफिस से आती है, 4 बजे खाना वाना खा के रेस्ट करती है। ठीक ठीक है सर, 5 बजे तक हम 6 बजे आते हैं वापिस। अच्छा आप 6 बजे आती है, सॉरी मुझे सुबह 9 बजे जाते हैं 6 बजे आते हैं। तो आप टाइम बताइए, आप लोग फिक्स करिए ग्रुप में लिख दीजिए वो टाइम पे माधव निदान। सर आप 4 बजे लेंगे ना तो जिनका अगर रहता है तो वो सीख के फिर शाम को हम ऑफिस से ज्वाइन कर लेते हैं कभी जब फ्री हो तो। ठीक है तो 4 से 5 एक घंटा रिकॉर्ड जिसका मिस होगा उसके लिए रिकॉर्ड रहेगा ना सर? हाँ हाँ, क्योंकि शाम का सर ओपीडी मिस होता है, अगर पढ़ने बैठ जाए तो ऐसे लगता है पेशेंट ना आए ऐसे हो रहा है सर। और मैं वो चीज बताऊंगा जो मेरे गुरु लोगों ने सिखाया है, उस हिसाब से केवल रीडिंग नहीं करना है, उसको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है सबको। तो पहले हम निदान पंचक करेंगे, हेतु क्या होता है, पूर्व रूप क्या होता है, रूप क्या होता है, थोड़ा ग्रामीण और थोड़ा प्रैक्टिकल ऐसे मैं बताऊंगा जी। कल से शुरू करते हैं माधव निदान, योग तो मैं कभी भी पढ़ाते ही रहूंगा, वो तो क्या है वो तो हो गया बहुत सारा। ठीक है तो आप लोग बोलिए अब कोई, डॉक्टर गौतम जी आप बताइए कुछ। डॉक्टर गौतम जी नमस्कार सर। हाँ प्रणाम बताइए, जामनगर से बोल रहा हूँ जी, बोलिए जामनगर से। हाँ एक केस डिस्कस करना था, 58 ईयर मेल पेशेंट था, तो मेरे पास 14 जून को आया था, तब उनको एलोपैथी वाला ने बोल दिया था कि पेटोरिनल सिंड्रोम है और टर्मिनल इलनेस है तो आप ठीक नहीं होने वाले हो, आप इनको घर पर ले जाइए और उनका सेवा करिए। तो फिर मैंने आपका नाम लिया, धनवंतरी का नाम लिया और केस का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। तो पहले मैं थोड़ा मॉडर्न के बारे में बताऊंगा जी। तो उनको 2018 और 2020 में यूरिनरी ब्लैडर SOL था, उसका ऑपरेट किया गया था। फिर 2019 में CABG था, पेशेंट नॉन केस ऑफ डायबिटीज है और हाइपरटेंशन है, तो उनको क्रोनिक किडनी डिजीज हो गया था। फिर एक्यूट रीनल एब्सेस हो गया था, पाइलोनेफ्राइटिस हो गया था, तो सभी ट्रीटमेंट चालू था मगर पेशेंट को कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, क्रिएट बढ़ रहा था। जब मेरे पास आया पेशेंट तो उसका क्रिएट हो गया था 6.45 और कल मैंने रिपोर्ट करवाया तो उसका क्रिएट है 1.86। तो सर उसमें जब मेरे पास पेशेंट आया तो उसके प्रधान लक्षण थे कि मूत्राघात था, उसको यूरिन पास नहीं हो रहा था, कैथेटर लगा हुआ था, 2 दिन से यूरिन पास नहीं हो रहा था। फिर सर्दी था, दाह था, अरुचि थी, अनिंद्रा था, थोड़ा सा प्रलाप था और पोस्टबद्धता था। हेलो हाँ सर बताइए बताइए कैसे आपने उसके विचार किए? तो और सर उनके हेतु में पहले से मुझे मिला कि अव्ययम था, रुक्ष भोजन था, क्योंकि एलोपैथी वाले ने बताया था CABG हुआ था तो ये सब कुछ नहीं खाना है, घी तेल तो वो चालू था, फिर वेग धारण कर रहे थे, युवा सपना था, चिंता शोक वो सब कुछ था, तो उसकी वजह से उसको मुझे मिला कि वात दुष्ट हो गई है। फिर वात दुष्ट होके सभी संघातक संप्राप्ति थी और साथ में श्रोता औरत भी था, तो उसको मतलब वात जाके संचय, वात का संचय हो गया, श्रोतावरोध हो गया, फिर बस्ती में संशय हो गया और फिर वहाँ पर क्लेद बनना चालू हुआ और फिर अग्निमंदीय हुआ। तो अग्निमंदीय होने के बाद ये लीवर में भी डैमेज चालू हुआ था, तो उसका जब सोनोग्राफी करवाया था तब उसमें LPD था,
और लॉन्ग टर्म से मॉडरेट फ्री फ्लूइड इन पेरिटोनल कैविटी, मिनिमल फ्लूइड इन डेप्थ पेरिटोनल कैविटी था। तो बाद में मैंने सोचा कि इस पेशेंट को अब पहले तो वातानुकूलन करवाना चाहिए, तो इसलिए मैंने उनको बोला कि एरन तेल से आप रात में 20 ml एरन तेल दे दीजिए थोड़ा सा गर्म पानी के साथ। मगर फिर पेशेंट के रिलेटिव जो बोल रहे थे कि उसके भी एक कंडीशन थी कि पेशेंट कोई लिक्विड फॉर्म में मेडिसिन लेगा नहीं और कड़वा होगा तो भी नहीं लेगा, तो फिर टेबलेट फॉर्म में ही सब कुछ देना था। तो मैंने सोचा कि पहले उसमें आम पाचन करवाना पड़ेगा, दीपन पाचन होगा और ये त्रिदोषा जनक व्याधि हो गई है तो त्रिदोषा का शमन करवाना पड़ेगा, स्वतावृत को दूर करना पड़ेगा, क्लेद नाशन करना पड़ेगा, मूत्र जनन करना पड़ेगा, रसायन चिकित्सा करना पड़ेगा। इसलिए मैंने पेशेंट को दो दिन से यूरिन पास नहीं हो रहा था, स्टूल नहीं आ रहा था, तो पहले मैंने बोला कि आप कैथर तुमने देखिए मेरी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए, अगर यूरिन पास होता है तो हम आगे का ट्रीटमेंट चालू रखेंगे। तो मैंने सीधा उनको गोक्सुरादी गोकुल चाल 4 tablets सुबह शाम दिया और आम पाचक बट्टी दिया और लीव 52 drops जो है वो स्टार्ट करवाया, क्योंकि पेशेंट कोई भी मेडिसिन लेता था तुरंत ही वॉमिटिंग कर देता था। तो लीव 52 drops जो है उसका मतलब स्वीट टेस्ट है तो वो ले रहे थे, तो फिर मैंने उसका वर्धन चालू कर दिया। तो दो दिन हुए बाद में और मेदो पाचक पट्टी चालू कर दिया क्योंकि है इसलिए मेद और रक्त का स्थान। तो इसमें क्या हुआ कि पेशेंट दो दिन हुए बाद में बोले कि कैथेटर में थोड़ा यूरिन स्टार्ट हो गया है और उनको जो पोस्ट बद्धता थी वो भी दूर हो गई है, एक बार उसका वेग आ गया था। तो बाद में मैंने सोचा कि चलो अब आगे ट्रीटमेंट चालू करते हैं, पेशेंट बोल रहा था अब मैं कैथेटर है और मुझे रिमूव कर दो, कैथेटर नहीं रखा है। तो फिर कैथेटर रिमूव करवाया, दूसरे दिन से ही उनको धीरे धीरे यूरिन का फ्रिक्वेंसी बढ़ गया और 7 दिन में उसका यूरिन आउटपुट 2 liters पर डे हो गया। फिर जब पेशेंट दूसरी बार मुझे फॉलोअप में आए तो मैंने फिर पेशेंट थोड़ा थोड़ा अभी खाने लगा था, तो मैंने उनको खाने में सिर्फ आहार के लिए बोला था कि थोड़ा सा उष्णोदक लेना है, थोड़ा सा दूध लेना है, तंडुल का मध लेना है, पपैया फ्रूट खा सकते हैं और धान्य का सोरस लेना है क्योंकि वो त्रिदोष है और मूत्रल भी है और उसको हार्ट का प्रॉब्लम है तो हृदय में काम करेगा, रोचन दीपन हो और सर्दी हो रहा है तो सर्दी में भी वो काम करेगा और इतना थोड़ा थोड़ा लेके पेशेंट ले सकेगा। फिर मैंने आगे उनको सर दूसरी बार जब आए तो चंद्र प्रभावती साथ में ऐड कर दिया और एक ओज बल करके टेबलेट आता है वो ओज बल चालू कर दिया क्योंकि उसमें चंदन द्राक्षा गिरातिक मुस्ता नागरवेल नीम निर्गुंडी पाठा पटोल सारीवा हरितक विभितक ये सब कुछ था, तो फिर ये रक्त वसोतस्त भी काम करेगा, पित्त का शमन भी करेगा। ये दूसरी बार जब आया तो उसका क्रिएट 20 days के बाद आए थे, तो 20 days बाद पेशेंट का क्रिएट था 2.8 और फिर 15 July को मेरे पास फिर आए पेशेंट, तब मैंने उसका USG करवा लिया था। तो USG में ascites जो हुआ था वो पूरा कम हो गया था, 9 ascites आया और सिर्फ लीवर पैरेन्काइमल डिसीज और पोर्टल हाइपरटेंशन माइल्ड स्पेनोमेगाली एंड टाइनी गोल्डस्टोन विदाउट कोलेसिस्टाइटिस ये था। तो सर फिर मैंने उसमें साथ में रसायन के लिए वसंत कुसुमा का रस चालू किया क्योंकि पेशेंट जीएम था, तो पहले तो उसका हाइपोग्लाइसेमिया रह गया था, अब थोड़ा खाना चालू किया तो शुगर उसका 200 के आसपास रहना चालू हुआ, वो ये चालू कर दिया। और साथ में मैंने फिर और लीवर के लिए भूआम्ली की स्टार्ट किया क्योंकि वो यकृत और क्लिया वृद्धि और मूत्र वसोतस्त तीनों पर काम करेगा। फिर पेशेंट को दाह और सर्दी थोड़ा थोड़ा था ही, तो फिर उसमें मैंने पित्त शमन के लिए और काम दूधा रस ऐड कर दिया। तो ये सब ट्रीटमेंट चलवाई और कल फिर मेरे पास पेशेंट आए थे तो उनका रिपोर्ट पूरा अभी नॉर्मल साइड है, क्रिएट 1.8 है और उसका बिलीरुबिन 3 हो गया है जो पहले 23 था और SGPT 12 ही है और यूरिया 31 है तो नॉर्मल है। पेशेंट का HBB 7 था, फिर तब 1.5 महीने पहले जब पेशेंट एलोपैथिक मेड में था तो एक PCV भी दिया था, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा था, मगर जब कल आए पेशेंट तो उसका HBB 10 हो गया है। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर मैंने इससे अच्छा क्या ट्रीटमेंट हो सकता था और अब आगे क्या करना चाहिए। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा व्यवस्था पत्र दिया आपने।
बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले और बहुत कम दिनों में, एक महीना के अंदर है ना ये रिजल्ट्स? हाँ मैम, 40 days. बहुत अच्छा किया सर आपने, वो जो खान पान का बताया ना वो फिर से रिपीट बताएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम किया, लघु आहार गया उसकी वजह से उनको. मैंने वो उष्ण तक दिया था, थोड़ा सा दूध दिया था, फिर तंडुल मंड बोला था 40-50 ml दिन में जब भी वो ले सके तब, और पपैया का फ्रूट दिया था और धानिया का सोरस बोला था, क्योंकि पेशेंट कुछ लेते ही नहीं थे और एलोपैथी वाले ने तो मना कर दिया था, तो मैंने सोचा कि जो भी थोड़ा सा भी अच्छा होगा तो आयुर्वेद का तो भला ही होने वाला है. सर बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोगों से एक चीज छूट जाती है, अन्न कल्पना, जो कि बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जैसा हम आहार खाते हैं वैसे ही हमारा शरीर बनता है. तो हमारे हर एक व्यवस्था पत्र में एक आहार कल्पना जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ हमेशा बोलते हैं और हमेशा एक कोई भी पेशेंट हो आपका तो उसमें आपके आहार कल्पना का कोई ना कोई उसने आहार पेया कहीं ना कहीं, क्योंकि हर भागवत में हम देखेंगे कि हर चैप्टर में उन्होंने आहार संकल्पना में जरूर दिया है, पेया विलेपी कहीं ना कहीं हर चैप्टर में हर व्याधि में दिया हुआ है, तो उसको यूज करना बहुत इफेक्टिव रहता है. मैंने भी मतलब पर्टिकुलरली अपने पेशेंट में यूज करती हूँ, रक्तपित्त के पेशेंट में, जैसे कि कहीं पर भी कोई भी अगर इजीएस्ट किया है, अगर उसके मूंग दाल है, शाही पनीर, पिष्ट पनीर, उसको थोड़ा सा चून दे दिया, उसको बोला किसी का पेया बना के मुंह का मुंह की दाल का पानी मिला के उसी में डाल के ले लो, तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं. तो आपका बहुत बहुत अच्छा व्यवस्था बताया आपने, बहुत अच्छे से मैनेज किया. कांग्रेचुलेशन सर, बहुत बढ़िया आपने किया. और सर मैंने कल उनको प्रिस्क्रिप्शन में दिया है गोक्सुरादी गूगल 2BD, मोआमले की 2BD, रसपाचक 2BD, मेदपाचक 2BD और ओजबल टेबलेट है वो 2BD है. एरन ट्रस्ट हरी तक की रात को दिया है और काम तो दरस 1BD दिया है. और फिर वो मेडिसिन ही ले रहे थे, कोई चूना नहीं ले, इसलिए एमिल फार्मेसी की BGR 34 आती है वो ओडी में अभी स्टार्ट किया है. तो आप मतलब इसमें अभी कोई नया कुछ करना है या क्या, आप राय दीजिए तो अच्छा रहेगा. जी मेरे हिसाब से तो आपने सही दिया है, अगर उपशय मिल रहा है तो ये सही है, अगर अनुपशय मिल रहा है तो हम चेंज करेंगे. आपको मतलब और क्या एक्सपेक्टेड है इसमें और क्या देना चाहिए? सर फिर भी मैंने फल त्रिका दी, आरोग्यवर्धिनी वट्टी, सर्वतोभद्र रस, पुनर्नवा मंडूर, ये सब कुछ रखा था कि अगर किसी का इफेक्ट ना आए तो स्टार्ट करेंगे. हाँ तो ठीक है ना, आप उसको रखिए साइड में पहले, ये इससे रिजल्ट तो आ ही रहे ना. हाँ, और चंद्र प्रभावती के 40 days हो गया था तो फिर मैंने कल बंद कर दिया है 10 दिन के लिए. हाँ बराबर. सुनिए ना, मुझे आप लोगों से एक बात कहना है कि हम संहिता पाठ वाला जो है बेसिक कॉन्सेप्ट वो हम सुबह ही रखते हैं ना, जब सुबह रसायन काल में ही, मतलब जब सूर्योदय होता है तभी हम माधव निदान करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं है. डॉक्टर रवि कुमार जी बोल रहे हैं कि 6 से 7, कोई 7 से 8, तो माधव निदान वगैरह है सुबह ही. हमारी लेडीज का प्रॉब्लम होता है सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, पूरा दिन घर के बाहर रहते हैं तो सुबह वही टाइम में काम चलती, कई बार डिस्टर्बेंस इसलिए तो आता है. माधव निदान में कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो मतलब अभी फिर थोड़ा दिन रुक जाते हैं, मुझे योग भी बहुत सारे पढ़ाने हैं, मेरा वो अधूरा रह जाएगा. ठीक है सर चलेगा, सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे कर दीजिए. मैं तो तैयार हूँ, लोग उठेंगे क्या 5 बजे? सर मैं भी तैयार हूँ. सर मैं भी तैयार हूँ सर, 5 बजे बाकी सारे सोए होते. हम कुछ दिन रुक जाते हैं माधव निदान का, कुछ दिन रुक जाते हैं, पहले मेरा जो योग का है थोड़ा वो खत्म हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत सारे योग बताने हैं. और आप जो बोल रहे हैं ना रसायन काल में पढ़ना है, वो तो सबसे अच्छा है कि वे दिन भर में, बहुत सारे लोगों के पास माधव निदान है भी नहीं ना, वो सब लोग तब तक फिर प्रिपेयर जी सर, क्योंकि क्या है ना मैं पढ़ा दूंगा उसका फायदा नहीं होगा तो फायदा नहीं है, रिवीजन भी होना चाहिए रोज का रोज. हाँ तो सभी लोग माधव निदान खरीद लीजिए सब लोग अपने अपने जगह से, और फिर सबके पास किताब हो जाए तब हम शुरू करेंगे तो मजा आएगा. सर ऑथर कौन है वो लिख देना ना सर व्हाट्सएप में, ये चैट बॉक्स में देखिए ना. हाँ ठीक. हाँ एक नरेंद्र दास शास्त्री जी के 1,500 रुपए की, और एक उपाध्याय जी के वो है 790 रुपए की. सर आप अब मैं MD PhD संहिता में हूँ तो मैं तो डीप में पढ़ाऊंगा ना, तो मैं शास्त्री जी कैसे पढ़ाऊंगा? सर आप डीप में ही पढ़ाइए. हाँ. और घाई मत करिएगा, कितना भी दिन लगे लेकिन माधव निदान एकदम पक्का बाय हार्ट होना चाहिए. और माधव निदान के साथ में चिकित्सा भी संप्राप्ति करते भी आना चाहिए. एक टॉपिक को लेके पूरा चिकित्सा तक कंप्लीट करके फिर दूसरे पे जाएंगे. ठीक है.
इसलिए सर घाई मत करिए आराम से। और उसके लिए मैं भी क्या करूंगा कि मेरे पास जमदग्नि सर की तरह टीचर लोग ना मराठी में ऑडियो है तो मैं वो भी सुनूंगा ना, तो मैं भी प्रिपेयर होके आऊंगा, मेरा जो पढ़ाई होगा वो सर लोग का भी रहेगा उसमें कि उनका क्या मत है, उनका क्या मत है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलेगा सर, क्योंकि जो लोग प्रैक्टिशनर हैं वो लोग का कुछ और भी है माधव निदान पे कमेंट्री, वो सुन सुन के आऊंगा, फिर मैं प्रिपेयर होके अच्छा से आऊंगा ना। सर कब से लेंगे क्लास फाइनल डे? मुझे नवीन जोशी सर से बात, अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर जी से भी तो बात करना पड़ता है। ओके सर, थैंक यू। नया फिल्म चलाना है तो उसके लिए पूरा ध्यान रखना पड़ता है, नया फिल्म चलेगा ना फिर बॉलीवुड का मूवी जैसा, हमें पूरा तैयारी करना पड़ता है। आप अपनी ओरिजिनलिटी में रहिए, कोई भी फिल्म चले आप अच्छे से बताइए बस। जी, आज का करंज तेल मैंने बताया तो आप लोग यूज करते हैं क्या करंज तेल? मैं बहुत यूज करती हूँ सर। कैसे, कौन कौन से व्याधियों में? सर मैं इसको अभ्यंतर यूज ज्यादा अच्छा है इसका सोरियासिस पे, उसके बाद में जहाँ कहीं भी क्लिद हमको नाशन करना है, जैसे काफी लोग कुछ रोपणीय द्रव्य ये बताते हैं, मेरा फेवरेट व्रण शोधन तेल, व्रण रोपण तेल है और करंज तेल है, और करंज तेल मैं खुद बनाती हूँ क्योंकि हम जिस एरिया से वहां पे करंज के पत्ते बहुत इजीली मिल जाते हैं, और करंज ऐसा मतलब जिसे बोलते कि कहां, आप कहां के हैं? आप तो बिल्डिंग में रहती हैं, वहां करंज कहां मिलता है? मैं नगर से लाती हूँ सर, मेरा नेटिव प्लेस है जहाँ पे खेती है मेरी, मेरी काफी सारी चीजें बनती है वहां पे, तो यहाँ से 125 किलोमीटर है, वहां से लाती हूँ सर मैं। और करंज क्या है ना, आपको मैम प्रिपरेशन का थोड़ा सा बताइएगा, मेरे को भी बनाना है प्लीज, आप डालिएगा ग्रुप पे। मैं ऐसी प्रैक्टिशनर हूँ मैडम, मुझे जो मैं निर्गुड़ी उसके बाद में जितने पंचकर्मा के वो सारे पत्र और ये सारी इकट्ठा करके सुखा के उसको द्रव्य में रखती थी, यहाँ से मैंने प्रैक्टिस शुरू किया है। तो ऐसे उसका जो अपनी सिंपल तेल की सिद्धि कल्पना है या ग्रुत की सिद्धि कल्पना है, लेकिन इसका रिजल्ट है ना मैडम, आप पादधारी से लेके जो सोरियासिस मतलब जितनी किडिप कुष्ठ से जितने हमारे कुष्ठ बताए हैं ना, वहां पे जहाँ पे भी आपको बहुत ज्यादा नहीं क्लेद, लेकिन वहां पे हमको अगर संप्राप्ति भंग करना है और उसको लोकल इंस्टेंट रिजल्ट देना है तो वहां पे करंज तेल बहुत अच्छा काम आता है, और अगर आपने बनाया होगा ना बहुत अच्छा रिजल्ट देता है वो। करंज का प्लान कर रही हूँ बस, इसीलिए मैंने आज सर से उसी सेशन के बाद नहीं, मेरा क्या डालना है उसके अलावा, करंज तो बहुत आराम से अवेलेबल है और बहुत चीजें इंटरनल इंटरनल यूज करते हैं कि एक्सटर्नल कैसे यूज करते हैं? इंटरनल में घर नहीं यूज करती हूँ सर, तेल मैंने नहीं यूज किया क्योंकि काफी कड़वा होता है उसकी में, मैं मेरे जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है उसमें मैं जिसे बोलते खालित्य पालित्य और एलोपेशिया एरियाटा वगैरह जैसे जो इन्फेक्शन रहते, खास करके जो केश जनन मेरी चिकित्सा है, केमोथेरेपी पोस्ट रेडियो थेरेपी जो बालों का क्षतन और वतन होता है उसमें भी मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ, यहाँ तक कि भौंए तक आप रीजनरेट कर सकते हो अगर आपने बराबर संप्राप्ति पकड़ी हो। आपने बहुत सही बताया। एक डॉक्टर लावण्या जी का प्रश्न है, डॉक्टर लावण्या चैट बॉक्स में उन्होंने प्रश्न पूछा है, आप कृपया आंसर करके प्रश्न पूछिए। सर गुड इवनिंग सर, मैं डॉक्टर लावण्या महबूब नगर से हूँ तेलंगाना से। जी बोलिए सर, आप करंज तेल के बारे में बात कर रहे हैं? तेलंगाना से हमसे बात कर रही है। हाँ सर जी, आप करंज तेल के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे एक क्वेश्चन है सर, करंज तेल का आप बोले है ना वो बीज से बनाया हुआ तेल और या पत्ते से बनाया हुआ तेल यूज करना है सर? अभी हम लोग जो यूज करते हैं मतलब मेरे सर जो बना के देते हैं वो पंचांग का यूज करते हैं, मतलब पत्ते भी रहते हैं, रूट भी रहता है और छाल भी रहता है, वो सब पंचांग से रहता है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है हर स्किन डिसऑर्डर में, उसको आग बंद करके भी देंगे ना तो सोरियासिस में तो इतना अच्छा फायदा होता है, इतना अच्छा होता है कि क्या बताएं सर। इधर तो वो डायरेक्ट बीज से ऑयल निकालते हैं, बाहर शॉप्स में भी क्या बोलते सर उसको, वो गानगा बोलते है, इधर तो गानगा में मिलता है ऐसे ही करंज तेल। हाँ तो बीज से निकाला हुआ तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ सर वही सर, मैं वही पूछने वाली, महाराष्ट्र में अवेलेबल नहीं है करंज बीज का तेल, नहीं अवेलेबल है, हम लोग पंचांग से बनाते हैं तिल तेल में, इधर तो बहुत सारा मिलता है सर इधर तो। जी मैडम, इसका ये ऐसा वनस्पति है मैम कि इसका जो फूल है ना वो फूल मतलब पंचांग जो सर ने बोला ना, हर एक अवयव का आप अगर अलग अलग तेल बनाएंगे ना तो भी आपको अलग अलग रिजल्ट मिलेगा। इवन मतलब ऐसे मैंने अभ्यंतर से घने यूज किया है, लेकिन ऐसे बोला जाता है कि इसकी जो बीज का तेल है
वो गट की मोटिलिटी, मतलब जो हमारा पकवाशय है ना वहां पे, अमाशय और पकवाशय इसमें बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन ये जैसे अपना मुरवेन्ना तेल का से महक की वजह से लोग इस्तेमाल नहीं करते, वैसे करंज तेल जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करते, और हाँ तो लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। पंचांग पूरा यूज होता है लेकिन अलग अलग इसका जो है मतलब बीज का, उसके बाद में बार्क का, पत्तों का, और खास करके इसके फूल इतने तीव्र गंदी होती है ये कि बहुत अच्छे फायदे देते हैं। बहुत सारा मिलता है मैडम, इधर तो बहुत सारा मिलता है करंज का, बहुत सारा पेड़ रहते है इधर तो। यूज करिए मैम। और आप लोग करिए कि जो लोग भी स्किन पे ट्रीटमेंट करना चाहते हैं आप लोग मुझे बताइए, मैं आपको तेल भेजूंगा और आपके सारे पेशेंट में रिजल्ट आना चाहिए, ऐसा तेल है वो, इतना अच्छा रिजल्ट आता है। बेस्ट बेस्ट किसमें किसमें हम यूज कर सकते हैं सर इसको? डिसऑर्डर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन डिजीजेस एंड वर्म्स सर। पिगमेंटेशन पे चाहिए, जो वांग करके रहता है, जो हार्मोनल इंबैलेंस रिलेटेड रहता है, उस पे रिजल्ट्स याप्यत्व कम है, मतलब साध्यत्व कम है, तो वो अगर अगर आपका होगा तो पक्का दीजिएगा। हाँ, और क्रिमी क्रिमी अगर रहे बच्चों में रहते हैं तो हमें केवल क्रिमी कुठार, क्रिमी मुद्गर, विडंगा रिश्त पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमें करंज तेल का बस्ती देना है, मात्रा बस्ती। हाँ हाँ सर, बस्ती में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका बहुत। सर मैं भी करंज तेल यूज करती हूँ, तो जहाँ पे भी कंडू रहता है ना त्वचा विकार में, क्लेज रहता है, तो एक ही एप्लीकेशन में वो कंडू कम हो जाता है। और मेरा अभी एक पेशेंट था सोरायसिस का, जो 3 साल से परेशान था, और उसको सोरायसिस नहीं कह सकते हम, कुष्ठ का एक विकार कह सकते, कुष्ठ का कुछ तो एक टाइप था जिसमें क्लेदन ज्यादा था, और उससे जो बटक और आगे थे बॉइल्स आते थे, और उससे क्लेदन क्लेद इतना था कि वो अगर चले भी ना तो उससे अंडर गारमेंट्स में उसका वो क्लेद चिप चिप करके इतना टपकता था। तो बाकी की अभ्यंतर चिकित्सा में मैंने स्वयंभू गूगल और कुछ और दवाई दी थी, तो और करंज तेल एप्लीकेशन में दिया था, तो 2-3 दिन में ही उसका वो पूरा क्लेश सूख गया था। तो अभी 1 महीने में उसका सिर्फ 10% बाकी रह गया है वो। कितना अच्छा सर, ये डायबिटिक वुंड में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। नहीं मैंने बताया भी आज सबको, मैं सॉरी मैं नहीं थी सर, मैं सुनूंगी सर जो आप अनुरीता जी आप रही है, लेकिन आपने कहा था कि 8:30 बजे आपको जाना है। ओ सॉरी सर, ओ यस यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने कहा था, मुझे कुछ नहीं है। नहीं थैंक्स फॉर द रिमाइंडर। मैं एक और पूछ सकती हूँ सर जी? आप डॉक्टर लावण्या जी आप डेली आया करिए ना इस सेशन में, और ना आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी आया करिए, हमें तेलंगाना का भी नॉलेज लेना है। ओके सर, श्योर सर, मैं अभी अभी ज्वाइन हुई हूँ, मुझे पता नहीं था ये सब है बोल के, मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, आप व्हाट्सएप करिए, मैं गूगल फॉर्म देता हूँ, गूगल फॉर्म भर के आप आ जाइए हमारे ग्रुप में, आप हमारे साथ रहनी चाहिए, हमें आप चाहिए। ओके सर। और सर ये डायरेक्ट हम बाहर गानगा से मिलते हैं ना, वो डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं सर? यस यस सर। ओके सर, आप चैट बॉक्स में देखिए मेरा नंबर है, आप यहाँ मैसेज करिए, जिनको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है ना आ जाइए आप लोग, सबको हम ऐड कर देंगे वहाँ पे। ओके ओके सर, ओके सर, थैंक यू। नमस्कार। हाँ जी नमस्ते सर, मैं डॉक्टर के एन गंगवार बरेली से। सर मेरा एक प्रणाम सर, मेरा एक पेशेंट है 68 ईयर ओल्ड है सर जी। तो सर उन्हें एक तो इंग्वाइनल हार्निया है, और सर डायबिटिक है, हाइपरटेंशन भी है, थायराइड भी, हाइपरथायरॉइडिज्म है जी, और सर मिट्रल रिगर्जिटेशन है जो उनका इको हुआ है सर उसमें, और जो एफिकेसी है वो केवल 30% है जी। तो उनका यह मेदांता मिला चल रहा, तो साथ में आयुर्वेदिक कंसल्टेंसी भी आए थे। हेतु निदान बताइए। हेतु हाइपरटेंशन तो बहुत साल पुराना है सर, 10 साल तो निकालिए ना, मेहनत करिए ना सर जी। सर आप केवल थायराइड का फॉर्मूला चाहिए क्या आपको, प्रिस्क्रिप्शन चाहिए? नहीं नहीं फॉर्मूला नहीं चाहिए सर, ऐसा कुछ तो हेतु निकालिए ना, संप्राप्ति बनाते हैं ना, मजा आएगा। ठीक सर, थैंक यू सर। और किसी को कुछ बताना है क्या? डॉक्टर कंचन जी आपने प्रैक्टिस शुरू कर दिया क्या? डॉक्टर कंचन जी प्रैक्टिस शुरू कर दिया ना? हाँ सर। हाँ बहुत अच्छा है, आपको कोई भी डिफिकल्टी है आप यहाँ से पूछ सकती हैं।
एक नवेल डिसलोकेशन का पेशेंट का सर, उसको मैं 15 दिन से तो ट्रीटमेंट दे रही हूँ पर उसको रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। आप थोड़ा केस को डिस्क्राइब करिए अच्छे से, फिर हम बताते हैं। तो वो 21 इयर्स का लड़का है, अनमैरिड है और बहुत क्लीन एंड क्लीन है, जैसे वास्तव प्रकृति लगता है। और उसको वो 5 साल की हिस्ट्री है सर, वो नवेल डिसलोकेट हो जाती है उसकी, कुछ वजन उठाए या फिर कुछ इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाए उसकी। तो क्या होता है? तो उसको एब्डोमिन पेन होता है सर। हाँ डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी, डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी आप सर्जन है, आप कुछ बता सकते हैं इस पे? सर डॉक्टर रवि जी शायद सर सुन नहीं रहे, कोई और भी बोल सकते हैं? सेटिंग कराना पड़ता है क्या सर नवेल को? हाँ कराना पड़ता है, लेकिन मैं डॉक्टर रवि कुमार जी को बुलाना चाहता हूँ या फिर कोई और। जी सर बोले, जी सर आ गया। हाँ सर आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप बताइए ना, गाइड करिए। कंचन जी आप फिर से प्रश्न बताइए। सर एक 21 इयर्स का लड़का है, अनमैरिड है, उसको फर्स्ट प्रेगनेंसी है, पार्ट डोमिनेंसी है और उसको नवेल डिसलोकेशन है सर 4 इयर्स से जी। तो इंडाइजेशन का मोस्टली प्रॉब्लम होता है, पेट दर्द रहता है हमेशा और कुछ वजन उठाए तो बहुत पेन होता है उसको पेट में। उसको 15 दिन से तो ट्रीट कर रही हूं पर उसको रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। उसको पॉसिबिलिटी हर्निएशन की है जैसा आप बता रही, लोकेशन शायद अम्लाइकल या पैराम्लाइकल हर्निया हो सकता है। और उसमें यह है कि अगर आप पेशेंट से कफिंग कराएंगे तो वहां बल्जिंग होगी और पेशेंट अगर लेट जाएगा तो बल्जिंग नहीं दिखाई देगी, ये है। और बताएं उसमें क्या पूछ रही है। इसमें मेडिसिन से कुछ फायदा हो सकता है क्या? नहीं ये तो मुझे, ये तो सर्जिकल ही है। और किसी को प्रश्न पूछना है क्या? और इस बार जो ये स्वर्ण प्राशन बनाया जाएगा तो उसमें आप सभी लोग ना खल और बचा और जो जो चीज लेना है सब लोग जमा करिए, क्योंकि इस महीने में डॉक्टर लवकुश जी कब है स्वर्ण प्राशन, पुष्य नक्षत्र कब है डॉक्टर लवकुश? 8 अगस्त को है सर। 8 अगस्त को है तो 7 दिन रह गए हैं, तो आप सब लोग खल और ये सब जुटाइए अब, क्योंकि हमें स्वर्ण प्राशन बनाना है सभी लोग के लिए। डॉक्टर लवकुश जी नहीं है क्या? 8 अगस्त को है जी। और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं अपना अनुभव। डॉक्टर सिद्धेश जी, वैद्य सिद्धेश जी, डॉक्टर सुभाष जी, डॉक्टर श्रेष्ठा अग्रवाल जी, डॉक्टर इंदु सिन्हा मैडम जी, आप कुछ तो बताइए अपना बिहार का। डॉक्टर इंदु सिन्हा मैडम जी, और लोग बोलते ही नहीं है। डॉक्टर जगपाल सिंह जी, डॉक्टर गगन अग्रवाल जी। हाँ सर प्रणाम। हाँ प्रणाम, कुछ बताइए अपना लखनऊ का केस। हाँ सर केस कुछ नहीं, हमारी वो जो बहन आई हुई है। हाँ जो मैंने जो आपको बोला था ना अहमबाद के लिए। हाँ तो उनको वो है समय, कुछ आपसे बात भी करना चाह रही थी तो अभी आप वीडियो ऑन करिए ना, मैं स्पॉटलाइट करता हूँ, बुलाइए ना उनको जी। चलिए देखिए कितना अच्छा हुआ आपकी बहन हमारी बहन। नमस्ते प्रणाम। इनका केस टेकिंग कौन करेगा? डॉक्टर मोनिका जी आप केस टेकिंग करेंगे क्या प्लीज, या अंजना सक्सेना मैडम जी कोई आप केस? हाँ करिए आप केस टेकिंग, इनको थोड़ा बैठा दीजिए। हाँ उनकी तरफ फेस करिए ना। हाँ जी आप केस, कैसे हैं मैम आप? जी मैं ठीक हूँ। हाँ मैम एक बार अपनी एज बताइए और नाम बताइए। जी मेरा नाम निधि अग्रवाल है जी। और जी और मुझे लगभग 10 साल से मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन अभी पिछले 4 साल से मैं ऑन बेड हूँ। ओके मैम एक बार अपनी एज बता देंगे? मेरी एज 34 है। 34 ओके। हाँ जी मैम क्या अभी क्या मेन प्रॉब्लम क्या है आपको? जी अभी एक्चुअली अभी मैंने 1.5 महीने पहले एक मतलब डॉक्टर को दिखाया, फाइनली मैं 4 साल से तो मतलब इतना ज्यादा पेन रहता है कि मैं बस ऑन बेड रहती हूँ, मैं उठ के चलने में भी दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है।
तो अभी जब मैंने सारी टेस्टिंग वगैरह करवाई दोबारा से, तो फिर डॉक्टर ने मुझे फाइब्रोमाइलजिया बताया, क्योंकि सारी रिपोर्ट हमेशा सही आती है, रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जी। और मुझे एक्चुअली मेरे मतलब तीन बच्चे हैं, तो वो जल्दी जल्दी हुए थे, शादी मेरी जल्दी हो गई थी 19 की एज में, फिर जल्दी जल्दी बच्चे हो गए, उसमें कुछ चीजें गड़बड़ हो गई, तो उसकी वजह से मुझे पेन रहने लग गया। वो चलता रहा, फिर मैंने काफी ट्रीटमेंट किया, आयुर्वेदिक का भी काफी किया, लेकिन यहाँ पे सही ट्रीटमेंट मिला नहीं मुझे आयुर्वेदिक का, और भी चीजें की। फिर मुझे मतलब अभी 3 साल पहले ऐसी स्थिति थी कि मतलब कोई भी पेन किलर कुछ भी मेरा पेन सही नहीं कर पा रहा था, और कोई डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे। मैं किसी को भी जाती तो ये बोलते कि आपको दिक्कत कुछ भी नहीं, रिपोर्ट सारी सही आती है, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों इतना पेन हो रहा है। फिर मुझे नेचुरोपैथ के बारे में पता चला, तो फिर मैं 2 साल से बस मैं खाने में खट्टा मीठा बिल्कुल नहीं खाती हूँ, फ्रूट्स लेती हूँ, मतलब उस केस पे मैं था पेन मैनेज कर रही थी इस तरह से जी। फिर उसके बाद फिर भी कुछ नहीं हो रहा था, फिर लोगों ने बोला कि नहीं आप मतलब डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हो। फिर मैं ये आर्थ्रो क्या बोलते हैं जी, मैंने आर्थराइटिस के डॉक्टर को दिखाया, रूमेटोलॉजिस्ट को मैंने दिखाया। फिर उन्होंने मेरी सारी टेस्टिंग करवाई, तो भाई हमेशा की तरह हमेशा सारी टेस्टिंग नॉर्मल थी। फिर उसके बाद उन्होंने फाइब्रोमाइलजिया डिटेक्ट किया कि फाइब्रोमाइलजिया हो सकता है आपको। तो मैम आपका मतलब 19 ईयर में मैरिज हुआ था, तो फर्स्ट बेबी आपका किस एज में हुआ था? 21 की एज में होगा। एक पहला तो मिसकैरेज हो गया था आफ्टर 3 months, उसके बाद फिर मतलब 2008 में मेरी शादी हुई थी, फिर 2009 में मेरी एक बेटी हुई है, फिर एक 2010 में और बेटा 2012 का। ओके, तो मैम उसमें उसके बाद आपने पूरा वो जैसे गर्म पानी पीते हैं, अजवाइन वगैरह का आराम करते हैं, हवा में नहीं जाना, वो सब आपने वो परिचर्या की थी उस टाइम पे? जी मैम। डिलीवरी के बाद नॉर्मल डिलीवरी थी मैम या सिजेरियन सेक्शन था? हाँ नॉर्मल, तीनों नॉर्मल थे जी, तीनों नॉर्मल। जी वो जो परिचर्या होती है ना वो प्रॉपरली एक्चुअली फॉलो नहीं हो पाई, क्योंकि मेरी जो बीच वाली बेटी थी तो उसके होने के समय उसको जॉइंटिस हो गया था, तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था उसको, तो मतलब कई चीजें ऐसी हुई, तो बीच में मेरी परिचर्या सही से फॉलो नहीं हो पाई, उसके बाद स्टार्ट हुई है। और पेन्स मैम उसके बाद ही शुरू हुई है आपको, उससे पहले नहीं थी? नहीं उसके पहले कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सही थी मैम। ओके मैम, आपका वैसे शुरू से कैसा रहता है, पेट वगैरह कैसा रहता है आपको, मोशन क्लियर हो जाता है सुबह मॉर्निंग में या दो तीन बार जाना पड़ता है? या पहले तो सही रहता था, लेकिन जो मेरी सेकंड वाली बेटी हुई उसके बाद से ही मेरे पेट में बहुत ज्यादा गैस बनने लग गई थी, मतलब मैं कुछ भी खाती बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग गई थी, तो मैं यही करती थी मैं अजवाइन फाक लेती थी उसके बाद। फिर जब पेन बहुत ज्यादा रहा, फिर मैंने एक टीवी पे देखा कि हल्दी मेथी सोंठ खा लो उससे सही हो जाता है, तो मैंने हल्दी मेथी सोंठ बना के बहुत दिनों तक खाया, उससे पेन मैनेज रहा, मतलब ये सब चीजें मैं करती रही, मैंने अलसी खाई, जो भी चीजें पता लगती गई वो खाती रही, उससे पेन मैनेज करती रही। फिर तो जितने टाइम तक आप ले रहे थे उतने टाइम तक पेन ठीक रहता था, उसके बाद वापिस आ जाता था क्या? हाँ, थोड़े टाइम तक ठीक रहता था उसके बाद भी? नहीं नहीं, मैं जब लेती थी बस तब सही हो जाता था, उसके बाद फिर रहता था, दोबारा शुरू हो जाता था। जी। और बाकी मैम आपको भूख वगैरह कैसे लगती है, भूख कैसी लगती है? भूख पहले तो बहुत लगती थी, पहले मेरा वेट भी काफी था और भूख बहुत लगती थी। और अभी जी, अभी इस समय तो भूख काफी कम हो गई एक्चुअली, फिर अभी मैंने जब बीच में तो भूख बहुत कम हो गई थी, क्योंकि एक्चुअली कुछ डाइजेस्ट नहीं होता था मुझे, तो मैं 2 साल से मैं मिल्क प्रोडक्ट्स कोई भी नहीं लेती हूँ, मुझे अगर मैं देसी घी खा लूँ तो इतना ज्यादा पेन होता है कि फिर बिल्कुल ऑन बेड हो जाती हूँ, बहुत भयंकर पेन होता है। फिर देसी घी है, दूध है, मैं ये सब नहीं ले सकती एक्चुअली, मुझे सब पता भी नहीं था, लेकिन जब मैंने नेचुरोपैथ फॉलो किया अभी 2 साल पहले, तब मुझे डॉक्टर ने बताया कि नहीं आपको ये दूध मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं, तो जब मैंने वो नहीं लिया और मैंने खाने के साथ कोई भी टमाटर है या खटाई है सब बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, तब पेन मैनेज होता है एक्चुअली, तब पेन नहीं होता था, तो मुझे कोई पेन किलर नहीं लेनी पड़ती थी, और अगर खा लूँ मुझे, मैंने 2 साल से कोई भी मिल्क प्रोडक्ट्स घी कुछ भी नहीं लेती हूँ, डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, और खाने में मैं खट्टा मीठा और मैं नींबू खटाई तो बिल्कुल भी नहीं ले सकती, अदरवाइज बहुत पेन होता है। मैम एक बार सुबह से अपनी दिनचर्या बताएंगे, आप खाने में क्या क्या लेते हैं सुबह उठने के बाद से?
सुबह एक्चुअली सुबह कुछ ज्यादा इच्छा नहीं होती लेने की, तो मैं सुबह या तो मैं पपीता ले लेती हूँ, कोई ना कोई फ्रूट ले लेती हूँ, और फिर उसके बाद दोपहर में एक बार फिर खाना खाती हूँ दोपहर में, तो भी हल्का ही रहता है मतलब, क्योंकि उसमें डाइजेस्ट नहीं होती मुझे, तो लौकी की सब्जी ले ली या कुछ भी, हल्का ही खाना खाती हूँ, और कोई भी सब्जी अगर बनाती हूँ उसमें मीठा और ये चीजें नहीं करती हूँ ताकि पेन ना बढ़े, और बीच में मुझे कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं होता था, तो ये सब चीजें शाम को भी बहुत हल्का ही लेती हूँ क्योंकि डाइजेशन। पानी का इंटेक कितना होता है मैम जी? पानी कितना पीते हैं आप? पानी जब प्यास लगती है तब पीते हैं, अदरवाइज बहुत ज्यादा। अच्छा, और सुबह उठ के पानी तो नहीं पीते? सुबह उठते ही खाली पेट पीते हैं पानी क्या? नहीं मैं नहीं पीती हूँ। तो सुबह मतलब ब्रेकफास्ट, सुबह आप सिर्फ फ्रूट्स ले रहे हो, उसके बाद लंच में लाइट फूड ले रहे हो, फिर उसके बाद शाम को खाना खा रहे हो, बीच में कुछ और चाय फ्रूट्स कुछ नहीं, कुछ भी नहीं लेते? चाय का ये है कि अगर बहुत ज्यादा मन हुआ तो मैंने करीब चाय ले ली, वो भी बहुत, उसके बाद बहुत हल्का ही कुछ खाया, और नहीं तो मैं बीच में तो जब मैं नेचुरोपैथ फॉलो कर रही थी फिर तो मैं केवल पपीता लेती, फल ले लेती थी, ये था। जी मैम, और अभी मुझे 20 डेज हुए हैं और मेरी पूरी बॉडी में गांठे थी, मतलब इतनी ज्यादा गांठे थी कि अगर कुछ भी कोई भी पार्ट ऐसे टच किया तो ये पूरी बॉडी में गांठे, ये पूरे यहाँ से पूरी बॉडी में, पूरे पेट में, ये सब पूरी थाइस में, पूरी पैरों में, मतलब मोटी मोटी गांठे। तो अभी मैं 20 मैंने आम पाचक और ये रस पाचक और आरोग्यवर्धनी बटी ले रही हूँ, तो 20 डेज में ही मेरी सारी गांठें चली गई हैं, अभी बिल्कुल भी, बस अंदर से बहुत थोड़ा टाइप थोड़ी सी बची है, अगर टच करके देखते हैं, और मेरी बॉडी बिल्कुल, स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, नहीं तो बहुत हार्ड थी, और पेन भी नहीं हो रहा है। ओके, आपका और मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री आपकी, मेंसेस रेगुलर हैं, टाइम से आते हैं? जी टाइम से आते हैं, कि पेन बहुत रहता है जब होते हैं, पेनफुल होता है। ओके, वाइट डिस्चार्ज वगैरह का कोई इशू तो नहीं? नहीं इस तरह का कोई इशू नहीं। ओके ठीक है, और कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे? अंजना मैम आपको कुछ पूछना है? पहले आप मुझे एक प्रश्न पूछना है कि पहले आप कोई स्पोर्ट्स में या थी या एक्सरसाइज करती थी फिर एकदम बंद कर दिया हो ऐसा हो? एक्चुअली जब फर्स्ट बच्चे थे तो वर्कलोड भी काफी हो गया, तो उसमें कहीं ना कहीं चीजें मतलब पड़ता ही। आपने अपना थायराइड टेस्ट कराया कभी? और उसमें एंटीबॉडीज फिर आई, फिर उसमें थायराइड एंटीबॉडीज कभी? नॉर्मल है, एंटीबॉडीज भी नॉर्मल है। ओके, तो निकाल के पर्सनल। हाँ, बीच में मेरा ESR बढ़ा हुआ था, तो फिर उसके बाद फिर मैंने तभी एलोपैथिक मेडिसिन से स्टार्ट की थी। जी मैम, जॉइंट में स्वेलिंग रहता है क्या? जॉइंट में पेन? स्वेलिंग? स्वेलिंग? जॉइंट में स्वेलिंग नहीं। तो पेन कहाँ पे रहता है मैम? पेन मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ, जैसे मेरी ये चीज है यहाँ पे है, ये पॉइंट्स ये स्पाइन के चारों तरफ है, स्पाइन है, पूरे स्पाइन टच करेंगे तो ऐसे से पेन होगा, और यहाँ पे पेन होगा, ये चीज है, यहाँ पेन होता है, ये सब पेन होते हैं, ये चीज है, मतलब सब। तो मस्कुलर, जी मस्कुलर पेन है ना? मस्कुलर पेन है, जॉइंट में या हड्डी की तरफ नहीं है? नहीं, मानसिक होता है जी। और आपको ये पेन जो है शिफ्टिंग पेन है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं ऐसा होता है? जी। आपका TPO-TG हुआ है? जी। TPO-TG, दिस आर द थायराइड एंटीबॉडीज। नहीं मैडम, ये कराइए आप अपना टेस्ट। क्या बोल रहे सर? थायराइड एंटीबॉडी बेसिकली क्या होता है डॉक्टर साहब, जो लोग अर्ली प्रेगनेंसीज और प्रेगनेंसीज में थायराइड डिसफंक्शन बड़ी वेरी कॉमन प्रॉब्लम होती है, उसके बाद जो है आप पोस्ट प्यूरल पीरियड में जो है जब निकल जाता है तो थायराइड डिसफंक्शन होने की वजह से जो है बॉडी में पेन रहना, जगह जगह गांठ बनना, जॉइंट्स पेन होना बड़ी कॉमन, और इसके ऊपर
कई बार हमारा T3, T4, TSH बिल्कुल नॉर्मल आता है, लेकिन हमारे TG और TPO बढ़े हुए होते हैं, तो वहां हमें थायराइड डिसफंक्शन का पूरा हिस्ट्री मिलता है। उसमें ये हमारा जो जॉइंट्स का पेन, जगह जगह गांठे होना, स्किन का हार्ड होना, ये सब चीजें उसमें बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है। तो अगर ये आपको मिलता है तो उसके लिए जो है डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग हैं, आपको बता देंगे कि किस तरह से जो है हाइपोथायरॉइडिज्म को ठीक करते हैं, आप ठीक हो जाओगे। नहीं एक्चुअल में अभी इनको 20 दिन से आम पाचक पट्टी और रस पाचक दे रहा हूं, तो उससे उनको लगभग 50-60% आराम हो गया है। हाँ तो मेदो वाली प्रॉब्लम जो है ना उससे सॉल्व हो जाती है ना डॉक्टर साहब, तो मेदो रोग होता है ना थायराइड की प्रॉब्लम में, तो आप एक बार उस टेस्ट को करा के देखें तो हो सकता है इससे इनका आपकी सिस्टर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बाकी तो ये केस टीपीओ टीबी थायराइड परोक्सीडेज एंड थायराइड ग्लोबुलिन, ये दो टेस्ट होते हैं। ये थोड़ा आप कहाँ रहते हैं डॉक्टर साहब? लखनऊ में रहता हूँ। हाँ तो लखनऊ में ये टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि छोटे शहर में थायराइड एंटीबॉडीज करते नहीं है डॉक्टर साहब। नहीं नहीं यहाँ तो हो जाएगा, यहाँ तो हाँ तो वहाँ लाल या रेनबेक्सी से करा सकते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल हो जाएगा सर। बाकी कोई और चिकित्सा मतलब आयुर्वेद में चिकित्सा? कोई आयुर्वेद की चिकित्सा तो बहुत सारे लोग बैठे हैं सर, वो बता सकते हैं, मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। आप क्यों नहीं बता पाएंगे? अरे डॉक्टर साहब मेरी मतलब मेरी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है इस चीज में, मैं डायग्नोसिस बना सकता हूँ पर प्रैक्टिस मेरी अभी धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ आपको देख के जी। इसमें हम सिंहनाथ गुगुल देते हैं, बहुत अच्छा हाँ, वो करा सकते हैं। अंबा तरी रस आता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। अंबा तरी रस बहुत बढ़िया काम करते हैं सर। मैंने ये आम भाजा इसने मतलब बिल्कुल चमत्कार की तरह बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया है। मैं 20 दिन में मैं बिल्कुल सही हो गई हूँ, मतलब मेरे फेस पे चमक आ गई है। अदरवाइज मेरा फेस इतना ड्राई था कि मेरे फेस की बिल्कुल शाइनिंग गायब हो गई थी, मेरे फेस पे चमक आ गई है, मेरी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। मतलब बहुत फायदे हैं मुझे, मतलब मुझे 90% के लगभग फायदा हो गया है। तो वो जो दवाई है ना वो मेरे सर का आशीर्वाद है, मतलब वो साधना है, उसमें ऐसा नहीं है कि वो केवल दवाई है, सर का उसमें तपस्या है, वो आशीर्वाद है जी। सर वो दवाई बहुत अच्छी है सच में। और आकांक्षा जी इसमें ट्रीटमेंट बताइए, आप क्या दे सकती हैं आमबात में, आपके हिसाब से क्या देंगी? मनोज अगर सर मुझे तो अभी मैं सर मेरे दिमाग में तो अभी मैं संप्राप्ति सोच रही हूँ कि एक्चुअली ये हुआ इनको कैसे, क्योंकि मुझे वही नहीं समझ में आ रही कि एग्जैक्टली हुआ, क्योंकि मुझे कहीं हेतु समझ में नहीं आया मैडम ने केस टेकिंग ली, और हेतु में बस एक ही, क्योंकि लेडीज में जो भी जैसे सर बताते हैं जब भी कोई भी व्याधि होती है तो उसका सबसे पहले संबंध गर्भाशय से लगाना चाहिए, तो उसमें गर्भाशय से यही पता चला है कि गर्भ स्थिति का परिचर्या का उन्होंने पालन अच्छे से नहीं किया है, लेकिन उसके बाद संप्राप्ति एकदम से जी सर स्ट्रेस की वजह से अग्निमंदे हुआ होगा। सर नमस्कार। हाँ सर बोलिए जी सर बताइए। सर मैडम के सारे लक्षण तो आम के लक्षण है, और जैसा हिस्ट्री से सूतिका रोग की तरफ भी जा रहा है, बेसिकली जो दवा आम पाचन की चल रही है वो ले, चाहे उसके साथ में आपको दशमूल दे दे तो काफी है सर। और साथ में क्योंकि सूतिका जी सर दशमूल और आम पाचन बटी वो तो ड्रग ऑफ चॉइस है, इसके साथ में जो करना चाहिए सेरोनेगेटिव रिमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में भी सोचना चाहिए, और जैसा थायराइडाइटिस वगैरह सोच रहे तो उसके बारे में वर्कआउट कर ले, तो ये दोनों चीज होमवर्क करने से, और तो आम पाचन पहले इनिशियल 14 डेज टू 21 डेज आम पाचन होना चाहिए, इसी से आराम मिल जाएगा। सर मैं ये ले रही हूँ तो मुझे वॉमिटिंग सा फील होता है, क्या लेती हैं? वॉमिटिंग सा जो नहीं वॉमिटिंग सा फील होता है तो इसको आफ्टर फूड लीजिए, ब्रेकफास्ट या लंच के बाद आम पाचन बटली हाँ खाने के बाद ही लेना चाहिए, आप ऐसे कैसे ले? और साथ में ना अगर ऐसा वॉमिटिंग जैसा है तो एलादी बटी वगैरह आता है या द्राक्षा दी बटी खाने के बाद लेने से कभी कषाय की टैबलेट्स वगैरह भी आती है वो भी। सर ये खाने के बाद आम खाने के बाद ही लेना चाहिए, भूखे पेट खाने के बाद जी खाने के पहले लेंगे पित्त का सिक्रीशन होगा तो वॉमिटिंग और नौशिया होगा। सर मैं आपको बताऊं सर मैं पहले खाने के बाद ही ले रही थी इसको, तो सर मुझे इतनी ज्यादा पेट में गैस बन रही थी कि मैं पूरी रात सो भी नहीं पा रही थी। नहीं तो आप लस्सी नहीं पी रही है, तक्र 2.5 लीटर पीना चाहिए पानी, तक्र दही में दही 1 पाव और 2 लीटर पानी,
उसको मत मठा, मठा। बटर मिल, बटर मिल, बटर मठा, जीरा भून के डालिए, काला नमक डालिए, वो उसका नियम है। घी भी खाना है 50 से 100 ml। आम पाचक वड्डी के लिए दो चीज जरूरी है, एक गाय का घी खाना जरूरी है और एक मठा पीना जरूरी है। ये चीज नहीं लेंगे तो फिर साइड इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट में उल्टी आता है, पित्त होता है, हीट बढ़ता है। अब हो रहा है सर, एक्चुअली पहले तो नहीं पर अब हो रहा है ये चीजें। हाँ तो अभी वो बॉडी जो है वो टॉलरेट नहीं कर रही इतना पित्त, इसलिए आप ना तक्र पीजिए तभी फायदा होगा और आप ठीक हो जाएंगे। आप चिंता मत करिए, आप तो ठीक होके वैष्णो देवी भी चल के जाएंगी, अमरनाथ की भी यात्रा करेंगे। ठीक हो गई ना तो चलो इसमें मतलब चारों तरफ लोग ये जानते हैं कि हाँ मैं ऑनबेड हूँ, जो आता है यही पूछता है कि क्या हाल है। अगर मैं ठीक हो गई तो आप थोड़ा चल के दिखाइए ना, चल के दिखाइए, आपको चला जा रहा है क्या अभी, हमें देखना है चल के। सर सर मैं 20 दिन हो गए मुझे लेते हुए, अब मैं आराम से चल रही हूँ, मैं आराम से बातें कर रही हूँ, मैं बोल पा रही हूँ। एक बार चल के दिखाइए ना, थोड़ा सा चल के दिखाइए ना, थोड़ा सा। अरे वाह, खड़ी भी हो गई। सर अपने इस केस में थोड़ा प्रवाल पिस्टी ऐड कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन ये तकर पियेंगी तो जरूरत ही नहीं है। देखिए कितना अच्छा सर, इसमें प्रतापम केशव रस भी ऐड करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि सूतिका परिचर्या से रिलेटेड है और वात पे भी जाएगा तो इनको आराम मिलेगा। लेकिन हेतु नहीं मिला ना कि क्यों हुआ है, आप क्या स्ट्रेस नहीं सर। होने का कारण क्या है कि टेंशन में थी क्या, बहुत दिन से टाइम पे खाना नहीं खाती थी? हाँ नहीं, खाना तो मैंने बहुत खाया है, एक्चुअली खाना तो बहुत ही ज्यादा ही खाया है, मतलब भूख बहुत लगती थी तो खाना बहुत खाया था, लेकिन स्ट्रेस था, स्ट्रेस बहुत ज्यादा था जी। डॉक्टर अंजना मैडम जी आप कुछ बताएंगी? सक्सेना मैडम जी। हाँ सर, नमस्कार सभी लोग को। प्रणाम मैडम जी। जी जी सर। हाँ सर, उसमें ये जो इनकी जो संप्राप्ति है वो इनकी जो जो दूसरी वाली बेबी बता रही है, जिस समय इनकी बेबी को बता रही है कि जॉइंटिस हो गया था या बिलिरुबिन लेवल बढ़ गया था, तो उसी समय और उसके समय थोड़ा सा हमें इनकी प्रेगनेंसी के बारे में भी पूछना चाहिए था कि उस समय इन्होंने कौन सा आहार विहार का सेवन किया था, और क्योंकि बच्चे को भी हुआ है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो गर्भिणी के समय भी या गर्भ के समय भी इन्होंने कुछ इस तरह का आहार विहार लिया होगा जिसका इफेक्ट बच्चे पे भी कभी कभी पड़ सकता है, और उसके पश्चात जो इन्होंने उस समय जो प्रॉपर सूति का परिचर्या होती है फिर वो नहीं हो पाया, और उसके बाद जो 3 साल के बाद इनको छोटा बेबी हुआ था वो भी अनइवेंटफुल हुआ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन ये है कि अगर जो सूति का परिचर्या में कुछ गड़बड़ होने के साथ साथ भी इन्होंने जो है हेतुओं का सेवन लगातार किया, जैसे कि अब उस समय इन्होंने हमको जहां तक लग रहा है, मंथ कौन सा रहा था डिलीवरी का सेकंड बेबी का? नवंबर में, नवंबर में रहा था, और बच्ची किस कितने दिन एनआईसीयू में रही थी? 15 दिन। तो वो 15 दिन आपके एकदम वही रहे होंगे, बच्चे को वहां जाके फीड कराना रहता होगा, फिर आप है ना प्रॉपरली आपको रेस्ट नहीं मिल पाता होगा, स्ट्रेस में भी आप रही होंगी, तो उस बीच में उसमें प्रेगनेंसी पीरियड में आपको कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई थी जब बच्ची आपको गर्भ में थी उस समय? नहीं नहीं, ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं आई थी, बाकी वीकनेस वगैरह सब चीजें थी। हाँ, पहली बेबी को फीड कब तक कराई थी आप, पहली वाली बेबी को? पहले वाले को तो 5 मंथ ही कराया था क्योंकि उसके बाद फिर दूसरी प्रेगनेंसी आ गई थी। तो ये भी एक कारण सर होता है क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी आना, एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे को जल्दी आना, क्योंकि अभी धातुएं परिपूर्ण हो ही नहीं पाई थी कि दूसरी प्रेगनेंसी आ गई, और दूसरी प्रेगनेंसी के बाद वो उस बच्चे का प्रॉपरली डेवलपमेंट, मतलब जो भी कहा जाए उसको जॉइंटिस हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की उसका प्रॉब्लम रही है बच्चे को, कि उस बच्चे का जो है रक्त और रस धातु का जो है कहीं ना कहीं दूषित रहा है, तो इससे माता पे भी असर पड़ा है और इनकी भी रस धातु रक्त धातु दूषित रही है, और वो संप्राप्ति जो सूतिका काल में हमारे सूतिका व्यापक तो सर देखिए तो बहुत ज्यादा 64 सूतिका व्यापक बताए गए, और अगर हम उस पर जाएंगे तो ये जो आम की उत्पत्ति और आम बात जो हम यहाँ पे डायग्नोस कर रहे हैं या फाइब्रोमायल्जिया ये जो बता रहे हैं, तो ये सिंपल सा वही है कि जो हमारा बताता है कि उष्मण और धातु माध्यम पाचित है, खाना प्रॉपरली जो है इन्होंने खाया या नहीं खाया, लेकिन इनकी अग्नि प्रॉपरली प्रदीप्त नहीं थी, और अग्नि प्रदीप्त नहीं होकर आम धातु की उत्पत्ति हुई, और जहां जहां खावे गुणे प्राप्त हुआ वहां वहां उसने अपना
लक्षण शुरू किया? पहले सबसे पहले दर्द कहाँ स्टार्ट हुआ था? सबसे पहले कमर में बैठने से। किस जगह? नीचे की तरफ की ऊपर? नीचे की तरफ सबसे पहले। उसके बाद वो कहाँ से कैसे गया आगे? जी उसके बाद फिर पीछे से यहाँ बैक से ऊपर आया, फिर ये पीछे बैक में होता था, यहाँ ऊपर की साइड होता था जी। अच्छा, बैक बोन में ही होता था कि बैक बोन के आसपास भी होता था? मतलब कमर की जो पीछे की हड्डी भी पूरे में ये चीज थी। पहले एक्चुअली बैक बोन से स्टार्ट हुआ, फिर वो आसपास चलता गया। हाँ, और इसके बाद जैसे कि बाद में तो कभी इस तरह का नहीं रहा कि आपका प्रेगनेंसी आई और आपने डीएनसी वगैरह कराई, ऐसा तो नहीं था? नहीं, कभी मेडिकल दवा मेडिसिन खाके? ये पहली बार हुआ था, पहली प्रेगनेंसी मेरी साढ़े तीन महीने का मिसकैरेज हो गया था। अच्छा, तो उसमें डीएनसी हुई थी क्या? हाँ, उसमें डीएनसी कराना पड़ा। हाँ, तो वो गर्भाशय से ही उत्पन्न इनको है, उनकी जो वायु कुपित हुई है और वो सूतिका काल का ही इनके साथ जो है, जो अनइवेंटफुल नहीं मानेंगे उसको हम लोग, और वो धीरे 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 करके उसने जो है आम की उत्पत्ति होके वो क्रॉनिक कंडीशंस में गई है, और हमारा ही आयुर्वेद ही इसमें कुछ कर भी सकता है। और सर, प्रॉपर ट्रीटमेंट में हम चाह रहे हैं कि हाँ, दशमुला रिस्ट वगैरह इनको उस समय मिला भी नहीं होगा, क्योंकि जनरली हम लोग जो है सूतिका काल में दशमुला रिस्ट वैसे भी ग्रामीण परिवेश से लेकर सब लोग लेते हैं। आपने कभी पिया है इससे पहले दशमुला रिस्ट? मैंने पिया है, मैंने एक्चुअली बाद में भी, उसके बाद भी मैंने जब ट्रीटमेंट, मैंने आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लिया तो मैंने दशमुला रिस्ट कई शीशियां पी है, 10-12 शीशियां। लास्ट डिलीवरी के बाद? हाँ, लास्ट डिलीवरी के बाद। हाँ, तो तब फिर उसके समय आम पाचक या आम के ऊपर इनके वो नहीं हो पाया है। तो और सर, मुझे जैसे लगता है कि ये बताती हैं कि जब मैं आम पाचक लेती हूँ तो मुझे थोड़ा सा जो है उत्क्लेश होता है, बमन लगता है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इस समय इनको थोड़ा सा पंचकर्म की अच्छे से स्नेह स्वेदन के बाद एक बमन प्रक्रिया जैसे आप लोग कराते हो, वो भी एक अगर इनको दिया जाए और हल्का विरेचन भी दिया जाए, क्योंकि अब आम पाचक ले ही रही है तो इनको काफी रिलीफ मिला है, तो कहीं ना कहीं जो दुष्ट कफ है और दुष्ट आम है वो मुझे लग रहा है बमन से और उसके बराबर जो उसके साथ में कहीं ना कहीं बात का अनुबंध है और पित्त का भी अनुबंध है, तो वो कहीं ना कहीं विरेचन के रूप में मेरे हिसाब से हल्का मृदु बमन और मृदु विरेचन इनको होना चाहिए। बाकी सर आप लोग बताइए। मेरे बाल भी बिल्कुल करली हो गए हैं, व्हाइट होने लग गए हैं। वही है, आपको जो दश धातु के रस से ही वो दुष्टि हो रही है, आहार पाक अवस्था आपकी थोड़ी सब गड़बड़ाई है। आप ठीक हो जाओगे, एकदम ठीक हो जाओगे, थोड़ा सा आपको डाइट शेड्यूल के साथ साथ आपको जो मैनेज कर रहे हैं भाई जी, आपके बहुत अच्छा मैनेज किए हैं, आप जान रही हैं आपको बहुत फायदा मिला है और अच्छा डिस्कशन हुआ है आज। हम लोग सब इस पे एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड करके आपको सब लोग बताएंगे और आप एकदम ठीक हो जाओगे, 100% ठीक हो जाओगे। थैंक यू मैम, ठीक हो जाऊँ तो बहुत बड़ी बात है, आप ठीक हो जाओगे, बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ, थोड़ा डाइट शेड्यूल मेंटेन करना पड़ेगा, थोड़ा सा जैसे हम लोग बताते हैं आहार और विहार भैया बता देंगे आपके, तो उसके हिसाब से अगर आप रहोगे तो आप बहुत अच्छे से आपको रिस्पॉन्स मिलेगी। हम लोग अभी सारे डॉक्टर्स मिलके इसको डिस्कस करेंगे आपके केस को, फिर आपको बताएंगे, ठीक है मैम जी। अंजना मैडम, एक प्रश्न है आपसे। जी सर, बताइए सर। थोड़ा सा आपका हेल्प चाहिए, थोड़ा बताए, जिससे डीएनसी करते या डीएनई करते हैं में अपने दोष और धातु का विश्लेषण कैसे करें, मैंने डिस्क्रिप्शन कैसे करें, थोड़ा सा आप बताएं। नहीं सर, एक बार आप जरा क्वेश्चन मुझे फिर से एक बार रिपीट करिए, आपका क्वेश्चन थोड़ा मुझे क्लियर नहीं हो पाया। डीएनसी और डीएनई करते हैं ना, तो उसमें जैसे दोष चेंजेस आते हैं ना, तो उसका हाँ सर, क्या बता रहे हैं, डीएनसी करते हैं और डीएनसी और डीएनई करते हैं? अच्छा, हाँ ठीक है सर। हाँ, तो उसमें पेशेंट का जो दोष दुष्ट में बदलाव आते हैं वो थोड़ा सा जानना था। एक्चुअली सर, वो इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं, हम लोग इंडिकेशंस पे जाते हैं, तो जनरली जो आप जैसे एक एमटीपी हो गया, हाँ, तो उसमें अप्रूव डीएनसी करते हैं, और एक पेशेंट का फाइब्रॉइड यूटेरस है तो उसमें डीएनसी करते हैं, तो उसके बाद अपने जैसे शरीर में बदलाव दोष दूसरे के रूप में क्या क्या आते हैं, वो अपने को थोड़ा सा समझना था आपसे।
नहीं सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रही थी कि जो जैसे आपने दो बातें बताई ना, डीएनसी और डीएनई, तो जो डायलेटेशन एंड क्यूरोटाइज का जो एक हमारा मेथड है सर, वो उसके इंडिकेशन थेरेपेटिक एंड डायग्नोस्टिक दो तरह के हम लोग करते हैं। थेरेपेटिक का हाँ सर, मेरे को मैंने ये नहीं जानना कि एमटीपी के इंडिकेशन, और ये मेरे को ये समझना है कि जैसे कि एमटीपी आपने किए हाँ, तो यूट्रस में और शरीर में बदलाव दो सदस्य के रूप में क्या क्या आने वाले सर, होता सब... है कि रजस वाला, रजस वाला है हाँ, तो रजस हाँ हाँ, तो जैसे कि बिगनिंग में तो कफ का दोष आता है, फिर पित्त का दोष आता है, फिर वायु, ऐसे करके दोषों का बदलाव आता है ना एक ड्यूरिंग सर। सूती का परिचर्या आपने पढ़ा होगा ना सर, ऐसा ही सूती का परिचर्या जब भी हम अगर आफ्टर डिलीवरी या आफ्टर अबॉर्शन डीएनसी करते हैं, जैसे कि जो भी जैसे इन्होंने बताया कि मिस कैरेज हुआ तो हमें करना पड़ा, या समटाइम्स इनकम्प्लीट जो है वो अबॉर्शन था और हमने उसको डीएनई करके इवैक्यूएशन करके उसको निकाला, तो सर उसमें उसकी जो परिचर्या है वो परिचर्या सूतिका परिचर्या की तरह ही करेंगे। मेनली उसमें जो है वो बात दोष कुपित होता है, और जो बात दोष कुपित होने का मतलब होता है कि धातु को जो है धातुओं का क्षय होता है और धातुओं के पोषण के हिसाब से हमको चलना पड़ता है, तो धातु पोषण क्रम जो हम सूतिका में करते हैं कि उसी प्रकार हमें अबॉर्शन में भी और हमें डीएनसी के बाद भी, या कभी कभी हमें मेडिकल एबॉर्शन से भी हमारे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि मैम हमने गिरा तो दिया बेटा और हमारा हमकी ब्लीडिंग वगैरह नहीं है लेकिन हमें कमजोरी बहुत है, तो वो भी एक सूती का परिचर्या के लाइन पे ही हमको पूरा प्रोटोकॉल डिसाइड करना होता है, और हमें बात बात दोष के ऊपर जो है उसको आधारित चिकित्सा व्यवस्था वृद्धि हो जा रही है। जी सर, जी सर। और अपने को ये कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट सिम्टम बेस करना है या कि कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन, मैंने डेढ़ डेढ़ महीना या एक महीना? हाँ सर, हाँ सर, उसमें है सर कि जैसे कि हाँ, का है, हाँ सर का। उसमें शास्त्रों में वर्णन आया है कि आपका क्योंकि एक जो नॉर्मल डिलीवरी के बाद सूती का परिचर्या है तो वो तो नॉर्मल प्रोसीजर है, लेकिन एवोर्शन के बाद अगर है सर तो वो ज्यादा मतलब कहना चाहिए उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ दोष कुपित होने की संभावना ज्यादा होती है, तो जितने मंथ का होता है हमें उतने महीने के लिए सूती का परिचर्या विशेष रूप से करना। यही जानना था। और मैडम एक चीज और, उसमें क्या जैसे सौभाग्य सुंठी है, सुंठी चूर्ण है, हरित की चूर्ण है, या आपको दशमूल है, ये सब दवाइयाँ उसमें कारगर है ना? हाँ सर, एकदम कारगर है, और वो डिपेंड करता है आप थोड़ा सा सूतिका की प्रकृति और सूतिका के जो भाई बात दोष के साथ साथ और भी जो हमारे पास आप इतने सब बड़े लोग हैं सब जानते हैं, तो जिस दोष का अनुबंध होता है उसके हिसाब से चिकित्सा हम लोग उनकी देते हैं, और उसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही सबसे ज्यादा कारगर। आज भी देखिए दशमूलिस्ट इतना कॉमन है कि हर बंदे के दिमाग में रहता है कि बच्चा पैदा हुआ तो दशमूलिस्ट पिला देना है ना सर, तो इस तरह से जो है और भी बहुत मेडिसिन को देता हूं। जी सर। अच्छा मैडम, दो रिक्वेस्ट आपसे और है, बहुत दिनों से सोचा था बोलूंगा। जैसे कुछ द्रव्य जो इंडिकेशन है कि इंडोमेट्रियल थिकनिंग में काम करते हैं, कुछ इंडोमेट्रियल थिनिंग कुछ जैसे कि ओवुलेशन में काम करते हैं, थोड़ा इसके ऊपर आपका एक लेक्चर चाहता हूं, आपका कामनी मैडम का, इन लोगों का एक लेक्चर चाहिए, थोड़ा सा रिक्वेस्ट सर। आ रहा है धीरे धीरे, सब लोग बोलेंगे, सबको मौका दिया जा रहा है, मेरा भी एक लेक्चर होगा जल्दी ही होगा, सबको सर मिलेगा। हम बेसिक फिजियोलॉजी रिलेटेड कफ दोषी के धातु सर, मैं हाँ सर, मैं आरतप से, मेरा भी आरतप पर ही आ रहेगा, मैं भी जल्दी आप लोगों को इसी के बारे में बताना चाहती हूँ। और क्या है ना, जितने डिजीज और ये है ना, इसके हिसाब से अपने दोष धातु को कैसे समझिए, थोड़ा सा आपका आपकी बातें अच्छे से समझ में आती है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, मैं कोशिश करूंगी और अच्छी कोशिश करूंगी। जी सर, जी मैम, जी धन्यवाद, थैंक यू। अभी टाइम हो गया, हम लोग सेशन बंद करते हैं, कल मिलेंगे हम लोग, अभी आप लोग सब लोग सो जाइए, बहुत अच्छा सेशन हुआ आज, बहुत मजा आया, तो हम लोग कल मिलेंगे। जी कर दू बंद। प्रणाम सर। प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम सर। करेंगे अभी टाइम। गुड नाइट। गुड नाइट, नमस्ते।